बहुत अच्छे से हम नेचुरल फार्मिंग लोगों को सिखा रहे हैं, और हमने लाखों फार्मर्स को, हम 2 लाख फार्मर्स के साथ अभी का 22 लाख फार्मर्स के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारे फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग सिखाया है। और उसके अलावा उनके अलग अलग जो पीजीए सर्टिफिकेशन में भी मतलब हम वी आर ऑल्सो वन ऑफ द एजेंसीज विच आर हेल्पिंग फार्मर्स इन गेटिंग दिस पीजीए सर्टिफिकेशन। उसके अलावा हमने उनके बहुत सारे छोटे छोटे और बहुत प्रोजेक्ट्स हैं, जिसका अगर टाइम मिला तो हम बाद में इनिशिएट करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ वो वाले बहुत सारे फार्मर्स हैं जो नेचुरल फार्मिंग फॉलो के ही से ही अपने सब क्रॉप्स उगा रहे हैं, सब्जियां उगा रहे हैं, और उनमें से बहुत सारे यंग लोग भी हैं जो 20-25 साल के लड़के हैं, यंगस्टर्स हैं, जैसे यहाँ पे कपिल भी है, जो और भी हैं लोग जो अभी अपने मतलब गांव में वापस जाके और यंग ये यंगस्टर्स टीम्स बना के इन लोग खेती कर रहे हैं, और ये लोग पूरे दिल्ली में सप्लाई भी कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ एक भीम सिंह जी भी हैं, जिनको कई बार अवार्ड मिला है, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड भी मिला है। तो इस तरह बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, जिनको टाइम मिलेगा तो आई एक्नॉलेज ऑल ऑफ यू एंड दे आर देयर विद अस विद द ट्रस्ट एंड दे आर डूइंग अमेजिंग वर्क। तो सभी का यहाँ स्वागत है, और नाउ ओवर टू डॉक्टर शर्मा एंड ही विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द स्कीम एंड टेल द बेनिफिट्स ऑफ इट। थैंक यू। So just I am trying to share PPT. डॉक्टर शर्मा, ये कब से शुरू हुई है स्कीम? अब मैं पूरा बताऊंगा मैम, एवरीथिंग आई विल ट्राई टू कवर इन। थैंक यू। आप लोग के जो क्वेश्चंस हो आप लोग चैट में लिख दीजिएगा, फिर हम बाद में उनसे पूछेंगे डॉक्टर शर्मा से। So I think screen is visible, ma'am, to everyone. Hello, I'm audible and visible, ma'am. हाँ, Screen is स्क्रीन visible. बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है स्क्रीन। Okay, thank you. हाँ So good evening and namaskar to everyone. Sir has given this task to me yesterday only, so I could prepare small PPT. In this scheme, particularly this submission on agroforestry, that is the one of the scheme which is running under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, and that motto of the scheme is given by Honorable Prime Minister in 2016. That is the Har Med Par Ped. The objective is that Har Med Par Ped means every border or boundary of the farmer, there must be some plants should be there. So in this connection, this scheme was started in 1916. So what is the scheme? What are the highlights and what are the objective and all these things I will try to cover in this one. And in this about the scheme, I will tell first and then how farmers can get the benefit from the scheme. What is the subsidy pattern and how to whom they have to approach. And who is the eligible, who can get the benefit, farmers or farm women and other NGOs are also eligible, that I will explain. And what are the benefit of this scheme, short-term and long-term benefits, which I will try to cover that what benefits. Some benefits are to the farmers immediate benefit and some are long-term benefits or impact we can say that is on the environment. अच्छा, So, डॉक्टर शर्मा, आप हिंदी ज्यादा यूज कर सकते हैं क्या? क्योंकि अच्छा हिंदी मैं यूज कर सकता हूँ मैं? यहाँ पे ऐसे अच्छा लोग हैं अच्छा जिनको हिंदी, कोई ऐसा है जिसको इंग्लिश चाहिए यहाँ पे, प्लीज चैट में लिख दीजिए। कोई ऐसा है जिसको चाहिए कि इंग्लिश में ही बोलना है, तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं मैक्सिमम लोग हिंदी समझ सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश नहीं अच्छा समझ। अच्छा ठीक है ओके देन इट इज फाइन मैम। मैं हिंदी बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा।
ठीक है, तो मैं अब इसमें सबसे पहले थोड़ा स्कीम के बारे में, कुछ फार्मर्स को कैसे फार्मर्स इसका बेनिफिट ले सकते हैं और कौन कौन इसके लिए बेनिफिट उठा सकते हैं और उसका क्या फायदे हैं स्कीम के, और प्लांटेशन करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ये सब चीजें हम इस जो संक्षिप्त प्रेजेंटेशन है इसमें मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। किसी को कुछ समझने में या कुछ इंग्लिश या हिंदी की प्रॉब्लम हो तो कृपया थोड़ा बता दें, हम लास्ट में और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक सो ये जो स्कीम है ये 2016-17 में शुरू हुई थी, मीन्स करीब 4-5 साल पुरानी स्कीम है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, क्योंकि सन 2014 में जो नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की थी उसी में ये था कि भी ऐसे मतलब कोई बोर्ड या कुछ ऐसा मिशन रूप में हमें एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कुछ ऐसा बनाना चाहिए, तो ये सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री नाम से एक स्कीम बनाई और 2016-17 में इसमें काम शुरू हुआ। तो क्योंकि इस स्कीम में ये एक जरूरी बात है कि एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट मीन्स प्लांट्स लगाना, किस पे, फार्मर्स फील्ड पे, ऐसा इसका ऑब्जेक्टिव में ये नहीं है कि भी जैसे फॉरेस्ट एरिया में प्लांट्स लगाना तो दैट इज नॉट एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब फार्मर्स फील्ड पे, किसान का खेत है उसी के ऊपर हमें जो अपना रेगुलर खेती कर रहा है जिस एरिया में उसी में प्लांट्स लगाना, चाहे बाउंड्री पे लगाए, किसी किसान के पास ज्यादा जमीन है या कोई एक्स्ट्रा जमीन है तो वो उसपे एक ब्लॉक में भी प्लांटेशन कर सकता है, नहीं तो बाउंड्री में भी प्लांटेशन कर सकता है, जितना चाहे प्लांटेशन वो चाहे कर सकता है। दूसरा इसके लिए ये जरूरी है कि इसमें जो स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट हैं उन्होंने ऐसे रूल्स अडॉप्ट कर रखे हैं, रूल्स हैं जिसमें पेड़ को काट सके और बेच सके, क्योंकि बहुत से स्टेट में पहले ये था कि पेड़ काटना मना है, किसान के खेत पर जो भी पेड़ है वो भी नहीं काट सकते, तो ये सब चीजें क्या है कि एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट नहीं कर पा रही थी, तो ज्यादातर स्टेट ने ये एग्जेम्प्ट कर दिया है कि जो कुछ स्पीसीज हैं सिलेक्टेड वो किसान अपने खेत पे लगा सकते हैं, एक टाइम के बाद में उनको काट सकते हैं, बेच सकते हैं और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी ले जा सकते हैं, उनका कोई ऐसा मतलब रूल के हिसाब से कोई उनको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो वो एग्जेम्प्टेड या उन स्पीसीज को, उन पेड़ पौधों को काटने की छूट है। ठीक है, तो दूसरा इसमें जैसे स्कीम है वो कई स्टेट में लागू हो रही है, 20 स्टेट, और इस बार हमारे पास 21 एक स्टेट और जुड़ गया है मणिपुर, 21 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज में ये स्कीम चल रही है। इसके साथ साथ आईसीएआर के कुछ संस्थान और जैसे इंडियन एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, कृषि विज्ञान केंद्र, ये भी जुड़े हुए हैं, इनको कुछ प्रोजेक्ट बेसिस पे कुछ ग्रांट जो इस स्कीम के अंडर ही मिलती है, तो वो अपना कुछ रिसर्च ओरिएंटेड एक्टिविटीज या डेमोस्ट्रेशन वो लगा सकते हैं और कुछ लगा भी रहे हैं। ठीक है, और अभी जैसे नेक्स्ट है, मैं इसके थोड़ा उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव है उनके बारे में थोड़ा बता दूं। इसका पर्पज जैसे अभी जिक्र किया कि प्लांटेशन ऑन दी फार्म लैंड, वी हैव टू एनकरेज दी प्लांटेशन ऑन फार्म लैंड, जो फसल किसान ले रहा है वो अपनी रेगुलर फसलें ले सकता है, उनको रोकने का या उनको बंद करके या प्लांटेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्रॉप के साथ साथ बाउंड्री पे एक लाइन दो लाइन ले सकता है, या जमीन ज्यादा है तो वो ब्लॉक में भी प्लांटेशन ले सकता है, ब्लॉक प्लांटेशन में भी जैसे कम प्लांट्स भी लगा सकता है या बहुत ज्यादा, जैसे एक एरिया में ज्यादा प्लांट लगाए तो भी जैसे लो डेंसिटी हाई डेंसिटी इस तरह का प्लांटेशन है। और दूसरा नर्सरी के लिए भी इसमें कुछ प्रोविजन है, नर्सरी के लिए भी गवर्नमेंट है वो सब्सिडी किसानों को देती है ताकि किसानों को क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल मिल सके। पॉपुलराइजेशन ऑफ वेरियस एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेज, एग्रो फॉरेस्ट्री में भी बहुत सी ऐसी जो रिसर्च है बेस पर कुछ ऐसे प्रैक्टिसेज डेवलप की गई हैं आईसीएआर से भी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से भी, कि ये प्लांट हम लगाएंगे इतनी दूरी पे लगाएंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं और बीच में दूसरी क्रॉप भी कर सकते हैं, चाहे फलदार ले भी ले सकते हैं या कोई खाद्यान्न फसलें दूसरी हम वो भी ले सकते हैं। दूसरा इसका ये भी उद्देश्य था, अभी डेवलपमेंट
डाटाबेस क्रिएट करना, कहाँ कितना प्लांटेशन हो रहा है, किसानों के खेतों पर कितने पेड़ हैं, कौन कौन से पेड़ हैं, तो ये भी एक इसका उद्देश्य रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना भी एक उद्देश्य इसमें माना गया है। और दूसरा जो टिम्बर मार्केट है, टिम्बर तो क्योंकि धीरे धीरे अब लकड़ी का उपयोग तो काफी बढ़ गया, लेकिन लकड़ी उपलब्ध नहीं है, टिम्बर अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए फॉरेस्ट पे ज्यादा प्रेशर आ रहा है। फॉरेस्ट पे प्रेशर कम हो इसके लिए भी एग्रो फॉरेस्ट्री लगाना जरूरी है। दूसरा कुछ ऐसे उद्योग या हम कहें भी जैसे प्लाईवुड का है या सिल्क का है, फाइबर का है या लाख का है, ब्यूटी एंड वेलनेस, कुछ ऐसे प्लांट्स भी लगा सकते हैं, हर्बल प्लांट्स हैं, वो भी एग्रो फॉरेस्ट्री में हम लगा सकते हैं और उनसे किसान को कुछ आमदनी थोड़े टाइम में भी मिल जाते हैं। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा 5 साल 10 साल 15 25 साल में तैयार होते हैं, और कुछ है वो दूसरे तीसरे साल भी उनको काट कर किसान बेच सकते हैं और आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सबको बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम जो संचालित की जा रही है पिछले 5 वर्ष से। अभी जो डॉक्टर शर्मा जी, आपका लास्ट वाला पॉइंट को थोड़ा और एलैबोरेट कर देंगे आप? लास्ट जो इसमें था कि डू आई कैटलाइज लिंकेजेस विद ट्रेडिशनल, इसको थोड़ा सा और बता सकते हैं इसमें, मतलब कैसे कैसे फार्मर्स के लिए हेल्प? यस यस, तो इसमें क्या है कि जैसे वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम, जो एक दूसरा उद्देश्य है वो ये भी है कि इस स्कीम के माध्यम से हम जैसे ट्रेडिशनल और इमर्जिंग मार्केट, ट्रेडिशनल मार्केट तो लकड़ी का ही है, उसमें जैसे किसान ने लकड़ी काट के मार्केट में बेच दिया और वो जो सा मिल है वहाँ बिक्री हो गया, उसके ज्यादा मतलब उसमें नहीं हो रहा है। लेकिन इस स्कीम में ये भी है कि भी जैसे कुछ टिम्बर उद्योग है वहां पर उनको जैसे बायोफ्यूल के प्लांट्स हैं या मैचवुड के प्लांट हैं या प्लाईवुड के लिए है, तो इन सब को प्रमोट करने के लिए जैसे जहाँ पर जैसी इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री को, जैसे प्लाईवुड है, प्लाईवुड के लिए क्या चाहिए, यूकलिप्टस के प्लांट्स चाहिए, तो उस एरिया में यूकलिप्टस के प्लांट्स को हम बढ़ावा दे सकते हैं। जहाँ पर सिल्क के प्लांट्स हैं, जैसे सिल्क रियरिंग का स्कोप है जैसे कर्नाटका में या तमिलनाडु में, उन स्टेट में सिल्क अगर कोई प्रोडक्शन करना चाहे तो सिल्क, तो सिल्क क्योंकि एक कीड़े से बनता है और कीड़ा पौधों को खाता है, तो ऐसे प्लांट्स या पौधे जो कीड़ा खाते हैं उनको इस स्कीम में ले सकते हैं। कुछ से जैसे फाइबर भी मिलता है, कुछ लाख के प्लांट्स भी हैं, बड़े बड़े ट्री होते हैं उनको लाख के कीट है, उनपे पालन होता है, तो ऐसे प्लांट्स को भी हम एग्रोफॉरेस्ट्री स्कीम के अंतर्गत लेकर और किसानों को इसमें जो भी सहायता का या सब्सिडी है उससे हम हेल्प कर सकते हैं। ब्यूटी एंड वेलनेस, जैसे कुछ हर्बल मेडिसिन या कुछ ऐसे हैं जो हम उनको औषधि के रूप में भी और ब्यूटी एंड वेलनेस प्रोडक्ट तैयार करने के लिए भी ले सकते हैं, तो ऐसे प्लांट्स भी हम इस स्कीम में लगाने के लिए प्रमोट कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट के लिए या कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जैसे बैम्बू का है तो बैम्बू तो अलग से वैसे स्कीम चल रही है लेकिन उसको भी हम प्रमोट करते हैं दूसरी स्कीम के अंतर्गत। तो ये सब प्लांट्स ऐसे हैं जो इन उद्योगों को प्रमोट करते हैं और किसान के पास अगर कोई ये चीजें या ये कार्य करने का अगर कुछ इंटरेस्ट है तो वो एग्रो फॉरेस्ट्री में खुद के ऐसे प्लांट लगा सकता है और उनका ये उससे ये बेनिफिट उठा सकते हैं। ओके, यस यस, थैंक यू। So, someone is raising hand for any question. So, we will take up the questions आपके थोड़ा presentation के बाद ही लेंगे। Yes, okay ma'am. So, presently जो state, क्योंकि सभी state ने जो prerequisite है या जो जरूरी बात है वो cut plants काटने का और transport करने का, बेचने का, वो सभी state ने अभी नहीं किया है। तो जो जो state इस rule को exempt किया है, छूट दे रखी है agroforestry plants को काटने की और बेचने की, तो उनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ये सब स्टेट ऐसे जनरल स्टेट हैं जो इस स्कीम को संचालित कर रहे हैं। इनमें जैसे दूसरे हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, वो मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो जैसे गवर्नमेंट स्कीम का फंडिंग पैटर्न है, जो जनरल स्टेट है उनको 60-40 का फंडिंग है, यानी 60 सेंट्रल गवर्नमेंट का और उसमें 40% हिस्सा है वो स्टेट गवर्नमेंट
मिला के और किसान को 50% सब्सिडी पे बेनिफिट देती है। दूसरा, इन स्टेट में जैसे नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट है, उनमें 90-10 का रेशियो से फंडिंग हो रही है। तो अभी शर्मा जी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो दोनों में नहीं है, दोनों लिस्ट में नहीं है? हाँ, अभी भी कुछ स्टेट हैं, जैसे असम है, असम दोनों लिस्ट में नहीं है। असम नहीं है इस लिस्ट में। कुछ स्टेट जैसे उत्तराखंड भी नहीं है, वेस्ट बंगाल नहीं है, तो उनको हम जैसे उसका रीजन ये है कि उन्होंने स्टेट ने परमिट नहीं किए फॉरेस्ट या ये जो प्लांट्स है वो कट करने के, एग्जेम्प्ट नहीं किए। तो उसके लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसमें स्टेट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो MOEF का डिपार्टमेंट है उनके थ्रू उनको एग्जेम्पशन मिलता है। उनमें भी कई स्टेट ऐसे हैं जिनको एग्जेम्पशन भी हो गया लेकिन वो स्कीम अभी टेकअप नहीं किया है, तो उनके पीछे पड़े हैं। तो हर साल एक दो जैसे लद्दाख हमारे साथ पिछली बार जुड़ा है, अभी ये मणिपुर इस साल भी जुड़ गया। तो इस तरह धीरे धीरे आई थिंक वी विल कवर ऑल द स्टेट्स इन द स्कीम्स विद इन 1 or 2 years। थैंक यू। सो जस्ट टू हाईलाइट द स्कीम, सिंस 2016-17 BE&RE, it is 75 crore, it was there, RE was 50 crore, because states हैं वो पूरा पैसा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए यूटिलाइजेशन कम होने से फिर नेक्स्ट ईयर का बजट है वो भी कम हो जाता है। ऐसे करते करते अभी जैसे लास्ट ईयर का हमारे पास 36 करोड़ का स्कीम था, इसमें तो RE में 29 हो गया और हम इसको यूटिलाइज कर पाए 27 करोड़ रुपए। इस बार भी 34 करोड़ का स्कीम है जो इस बार हम पूरा इसका यूटिलाइज करने की, स्टेट से यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत से स्टेट जो अभी हैं इसमें वो पीछे जो उनको दिया हुआ है वो भी काफी यूज नहीं कर पाए, उनके पास भी अनस्पेंट बैलेंस गवर्नमेंट का है, इसलिए वो नेक्स्ट ईयर में रिलीज होने में थोड़ी सी उनको भी, उनके लिए भी दिक्कत आ रही है। कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जो स्टेट शेयर अपना नहीं लगाते, इसलिए भी उनको नेक्स्ट ईयर का जो ग्रांट है वो कम मिल पाता है। तो इस तरह से हम जो मेनली इन इसमें जो प्रमोट करते आ रहे हैं अभी तक, उसमें एक तो नर्सरी डेवलपमेंट के लिए है, दूसरा प्लांटेशन के लिए है। तो नर्सरी डेवलपमेंट में हर साल करीब 200 इस तरह से हम जो नर्सरी डेवलप कर रहे हैं, इसमें स्मॉल नर्सरी, बिग नर्सरी और मीडियम टाइप नर्सरी, इस तरह से कुछ नर्सरी हैं जो गवर्नमेंट लैंड भी लगा सकते हैं और दूसरा जो किसान का खुद का जमीन है उस पर भी लगा सकते हैं। जो पिछले 4-5 सालों में, 4 साल के डेटा है अभी, ये इस साल के अभी आ रहे हैं, तो करीब 706 नर्सरियां इसमें लगी हैं, और इस साल का इंक्लूड करेंगे तो करीब 800 नर्सरियां हम इसमें लगा पाए हैं एग्रोफॉरेस्ट्री प्लांट्स की। इसमें वो प्लांट्स नहीं है जैसे हॉर्टिकल्चर के या दूसरे होते हैं हर्ब्स के, वो प्लांट्स इसमें शामिल नहीं है, ये मेनली जो एग्रोफॉरेस्ट्री के हैं, ट्री प्लांट्स हैं, उनके फिगर हैं। प्लांटेशन जो हुआ है करीब 302 लाख हेक्टेयर में, प्लांटेशन जो नंबर ऑफ ट्रीज है 302 लाख ट्रीज लगाए जा चुके हैं, और जो एरिया कवर हुआ है वो 68,000 करीब एरिया कवर हुआ है। इस साल का डेटा इंक्लूड करेंगे तो वो करीब 80,000 के करीब एरिया कवर हुआ है। ये कुछ अचीवमेंट जो है स्कीम के थोड़े टाइम में हुए हैं। डॉक्टर शर्मा, अगर नर्सरी कोई अपनी लगा, अपने लैंड में लगाए और गवर्नमेंट के लैंड में लगाए, उसमें कोई क्या बेनिफिट, क्या लॉस? उसमें मैं बताता हूँ मैम, ये जैसे अभी नर्सरी का अभी जो एग्जिस्टिंग जो नॉर्म्स हैं उसमें हाईटेक नर्सरी, बिग नर्सरी और स्मॉल नर्सरी, ये तीन टाइप की नर्सरी हम इसमें स्कीम में है। तो स्मॉल नर्सरी यानी 0.5 हेक्टेयर एरिया में कोई लगाना चाहे तो उसके लिए 10 लाख रुपए ग्रांट है तो गवर्नमेंट का है। तो 10 लाख रुपए में अगर गवर्नमेंट लैंड पे अगर डिपार्टमेंट लगाता है तो उसको 10 लाख रुपए हम देते हैं, जबकि कोई किसान अगर प्राइवेट अपनी जमीन पे लगाना चाहे तो उसको 50% सब्सिडी है, यानी 5 लाख रुपए की उनको असिस्टेंस मिलेगी और 5 लाख रुपए किसान को खुद लगाने होंगे। इसी तरह से बिग नर्सरी, तो बड़ी नर्सरी 1 हेक्टेयर यानी 4 बीघा या 2.5 एकड़ की माने तो उसके लिए 16 लाख रुपए हैं, और हाईटेक नर्सरी जिसमें जो ये फुहारा स्प्रिंकलर सिस्टम इस तरह से ये जो दिखाया है इस तरह का लगाएं तो उसके लिए 40 लाख रुपए ग्रांट है।
इसमें कोई दूसरा जैसे कोई एनजीओ या वो भी लगा सकते हैं, एनजीओ कोई ग्रुप में या फार्मर्स ग्रुप या कोई एफपीओ लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं इसमें। तो उनको 50% अपना शेयर देना होगा, 50% गवर्नमेंट का होगा, और उसमें जो फंडिंग पैटर्न है उसके हिसाब से 60-40 का रेशियो रहता है। तो ये नर्सरी की बात रही, और क्योंकि अभी ये स्कीम पिछले 4-5 साल से चल रही है और इस साल हम जैसे नया ईएफसी आ रहा है उसमें हम अभी वो अप्रूव नहीं हुआ है, अगर होता है तो उस कंडीशन में हम जो एग्जिस्टिंग नर्सरी है उसके लिए भी कुछ ग्रांट देने के लिए प्रस्ताव रखा हुआ है। तो उसमें करीब 5 लाख रुपए जो किसी के पास नर्सरी है उसको अपग्रेड करने के लिए या उसमें कुछ सीडलिंग तैयार करने के लिए भी ग्रांट हम दे पाएंगे उस कंडीशन में जब वो नया प्रस्ताव है वो अगर मंजूर होता है तो। और ये एफपीओस को भी 50% सब्सिडी मिलेगी क्या? हाँ, एफपीओ को भी 50% मिलेगी। एफपीओ को 50% मिलेगी और वो अपने रिसोर्सेज जैसे फार्मर्स कंट्रीब्यूशन है या गवर्नमेंट ग्रांट उनको एज ए एफपीओ कुछ मिलती है उसमें से वो यूज कर सकते हैं। तो वो एक तरह से प्राइवेट हो गया तो उनको 50% ग्रांट मिलेगी। ठीक है, आप लोगों के सबके जो क्वेश्चंस हैं हम बाद में लेंगे, और आप लोग अभी चैट पे लिख सकते हैं, एक बार ये प्रेजेंटेशन हो जाए देन यू आस्क क्वेश्चन, बट आप लोग चैट पे लिख सकते हैं। हाँ हाँ जी हाँ। नेक्स्ट जो इसमें जो प्लांटेशन में बता रहा था अभी किस तरह के प्लांटेशन कर सकते हैं, ये जैसे पेरिफेरल एंड बाउंड्री प्लांटेशन मतलब बॉर्डर एरिया पे, तो एक किसान है वो 500 प्लांट्स तक लगा सकता है, तो उसके लिए 70 रुपए पर प्लांट के हिसाब से ग्रांट देते हैं। 70 रुपए में 50% किसान को लगाना होता है और यानी 35 रुपए किसान को देते हैं, और उसमें भी कुछ इस तरह से प्रोविजन कर रखा है भी जिस साल प्लांटेशन करेगा उसमें 40% ग्रांट मिलेगी और उसके बाद में 20-20-20 ऐसे करते 2-3 साल तक उनको कुछ मेंटेनेंस के लिए भी खर्चा मिलेगा, क्योंकि एक बार प्लांट्स लगा दिए उसके बाद में किसान अगर अपना अपने लेवल पे केयर नहीं कर पा रहा है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो मतलब उसमें थोड़ा सक्सेस होने के कम चांस रहते हैं। तो इसलिए स्कीम में ये रखा गया है कि भी उसको मेंटेनेंस के लिए 2 या 3 साल के लिए हम उसको कुछ बेनिफिट देंगे ताकि वो मेंटेनेंस भी उनका हो सके। तो ये बाउंड्री प्लांटेशन है, और दूसरा ये ब्लॉक प्लांटेशन भी है, जैसे 500 से लेकर 1000 प्लांट पर हेक्टर, जैसे लो डेंसिटी इसको बोलते हैं। तो अपने एरिया में किसान जो भी उचित समझे भी ये प्लांट्स हैं वो हम ले सकते हैं, या मतलब कौन सी स्पीसीज या कौन से प्लांट्स उनका स्कोप है बेचने का वो प्लांट्स ले सकते हैं, और 500 से 1000 प्लांट पर एक्टर वो लगा सकते हैं। तो उसके लिए 30,000 रुपये पर एक्टर है, ये कुछ आगे दिए हुए हैं, ये हमारे रिवाइज नॉर्म्स हैं, ये तब की बात है जब कोई हमारा नया प्रस्ताव अगर अप्रूव होता है उस कंडीशन में, नहीं तो किसान को कम से कम 30,000 रुपये पर हेक्टर के हिसाब से ये टोटल है, उसमें से 50% किसान को लगाना और 50% खुद को देना। दूसरा ये जैसे 1,000 से 1,500 प्लांट्स पर हेक्टर है, हाई डेंसिटी, कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो हम ज्यादा जैसे कम दूरी पे 1 मीटर या 2 मीटर की दूरी पे भी लगा सकते हैं, तो 1,000 से 1,500 प्लांट्स पर हेक्टर लगेंगे, तो उसमें कॉस्ट जो 35,000 से 45,000 रुपये तक आती है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके ये ग्रांट किसान को मिल सकती है। अभी जो नई स्कीम है उसमें हमने जो ड्रिप का और ये कन्वर्जेंस के लिए भी प्रस्ताव रखा हुआ है, टिश्यू कल्चर यूनिट के भी लिए भी रखा हुआ है जो नया कंपोनेंट है, तो एग्जिस्टिंग टिश्यू कल्चर लैब कहीं है तो वो स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं, कई इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में है या कोई स्टेब्लिश कराना चाहे तो भी, ये जैसे बैम्बू का और एग्रोफोरेस्ट्री का वो कम्बाइंड एक तरह से होगा, तो टिश्यू कल्चर को बढ़ावा देने के लिए आजकल टिश्यू कल्चर के प्लांट्स हैं वो जल्दी तैयार हो जाते हैं और अच्छी किस्म के होते हैं और किसान पसंद भी करते हैं। तो ऐसे प्लांट में आर्ट ऑफ लिविंग भी बहुत काम कर रही है, हमारे डॉक्टर प्रभाकर राव हैं, ही इज डन अमेजिंग वर्क विद टिश्यू कल्चर। तो हम लोग इसमें आपने जो न्यू कंपोनेंट इसमें मतलब अप टू ये अभी एग्जिस्टिंग क्या अभी अभी अगले साल आने की पॉसिबिलिटी है मैम। ओके हाँ, तो वो हम वैसे मैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ और चांसेस है आने का, तो उस कंडीशन में दे कैन गेट बेनिफिट,
क्योंकि अभी हम उनको नहीं बताएंगे तो फिर वो मिस कर सकते हैं अगर नहीं होता है. तो दूसरा ये भी है कि भी कलेक्शन एंड कलेक्शन कम प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर, कुछ जैसे ट्राइबल एरियाज में कुछ माइनर प्रोड्यूस जो किसान कलेक्ट करते हैं, और जैसे हर्बल प्रोडक्ट भी वो कलेक्ट करते हैं, लेकिन वो प्रोसेसिंग नहीं हो पाती तो उसको सेल होने में या उनको प्राइस है वो कम मिल पाता है. तो ये भी एक न्यू कंपोनेंट रखा है उनको ऐसा यूनिट या सेंटर एस्टेब्लिश करने के लिए 25 लाख रुपीज ग्रांट दे कैन गेट. इसी तरह से सिल्क लैग, मैच वुड, मेडिसिनल, ब्यूटी, वेलनेस, इसके लिए भी नया कंपोनेंट रखा है. और मैक्सिमम दैट इज द प्रोजेक्ट बेस्ड, अगर कुछ प्रोजेक्ट इस तरह से बनाए भी वो क्या करना चाहेंगे SME यूनिट या जो स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज के रूप में कोई बनाना चाहे, तो ये भी हमारा एक कंपोनेंट रहेगा. बाकी इसमें नॉर्मल जैसे फार्मर्स की ट्रेनिंग, ऑफिसर्स की ट्रेनिंग और वर्कशॉप, सेमिनार वगैरह ये भी रहता है. तो ये तो अभी भी चल रहा है, फार्मर्स ट्रेनिंग भी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग और वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने का. तो हर स्टेट गवर्नमेंट को 5% ऑफ टोटल बजट एलोकेशन बजट रहता है, और अभी भी वो वर्कशॉप कर सकते हैं. जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी कोई वर्कशॉप वगैरह स्टेट में अगर करना हो तो यू कैन अप्रोच विद द कंसर्न स्टेट मिशन डायरेक्टर एंड ऑर्गेनाइज सम सेमिनार्स लाइक दैट. सो सम प्रोविजंस आर देयर. दूसरा जो मार्केट रिसर्च और इस तरह के भी कोई प्रोजेक्ट आएंगे तो हम आगे इनको कंसीडर कर पाएंगे अगर वो अप्रूव होता है तो. लोकल इनिशिएटिव भी, लोकल बेसिस कोई भी अगर नई इनिशिएटिव है तो उसके लिए भी कुछ असिस्टेंस रहेगी. इसके साथ साथ अभी जो दूसरे हमने कई नए डायमेंशन भी लेने की कोशिश की है, जैसे सिल्क बोर्ड है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड है, उसके साथ MOU हुआ है एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ में और टेक्सटाइल मिनिस्टर के साथ में. अभी इसी मार्च को, 7 मार्च को MOU हुआ था. इसमें अभी सिल्क को, जो सिल्क सेक्टर है उसको प्रमोट करने के लिए एग्रोफॉरेस्ट्री में ही जो सिल्क के प्लांट्स हैं वो लगाए. अभी जैसे हम इसमें नीचे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये कुछ सिल्क प्लांट्स हैं, तो इनकी पत्तियों को हार्वेस्ट करके ये जो सिल्क इंसेक्ट हैं नीचे दिख रहे हैं, इनको फार्मर्स हैं वो खिलाते हैं. और ये एक तरह से छोटी यूनिट किसान के खेत पर ही रहती है, ये किसान का खेत है और उसके घर में एक डेडिकेटेड जो कोई रूम रहेगा उसमें ये यूनिट लगा सकते हैं. और जो इंसेक्ट हैं वो मैच्योर होने के बाद में कोकून्स हैं वो जो सिल्क डिपार्टमेंट है वो हेल्प कर रहा है. तो इस तरह से ये एक तरह का कन्वर्जेंस करने की कोशिश रहेगी, जिसमें एग्रोफॉरेस्ट्री में प्लांटेशन लगा सकते हैं और जो सेरिकल्चर डिपार्टमेंट है दे विल असिस्ट फॉर गेटिंग दिस कोकून बाई बैक एंड प्रोवाइडिंग दी सीड और मींस एग्स ऑफ दी सिल्क वर्म्स इनिशियली. सिल्क वर्म के लिए तो एक ये भी एक नया है और इस साल से हमने शुरू किया है. दूसरा मेडिसिनल प्लांट्स को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि इसमें जैसे ट्री स्पीसीज को ही प्रमोट करते हैं एग्रोफॉरेस्ट्री में, लेकिन अभी जैसे कोई अगर मेडिसिनल वैल्यू के प्लांट्स हैं तो उनको भी मोस्टली जो ट्री स्पीसीज रहती हैं उनको भी प्रमोट करने के लिए इसमें ले रहे हैं. जैसे मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का उनका भी प्रोग्राम प्रोजेक्ट चलते हैं, स्टेट जो बोर्ड है उनके साथ भी हैं, तो वो भी अगर एग्रोफॉरेस्ट्री साथ में करना चाहें तो वो दे कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम एज वेल. फ्रॉम स्टेट्स दे शुड सबमिट द प्रपोजल इन द स्टेट्स एंड स्टेट कैन सबमिट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जो लैग फ्रूट फोडर ये भी थोड़ा सा प्रमोट करने का इसमें लिया हुआ है. एनकरेज स्टेट टू टेक अप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फॉर पेपर प्लाईवुड इंडस्ट्रीज. तो स्टेट को जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ला आ रहा है उसमें भी अगर वो करना चाहें तो एग्रोफॉरेस्ट्री प्लांटेशन कर सकते हैं और दे कैन मेक सम कॉन्ट्रैक्ट विद द पेपर इंडस्ट्री और प्लाईवुड इंडस्ट्रीज. थोड़ा सा एक क्वेश्चन और है कि कैन वी डेवलप नर्सरीज एट गवर्नमेंट लैंड आल्सो, यस मैम, इन हुडा सेक्टर्स एट गुड़गांव. यस यस, नर्सरी वी कैन डेवलप. इन केस वी आर एस्टेब्लिशिंग द नर्सरी एट गवर्नमेंट लैंड because for example in case of Haryana state forest department is the nodal department, nodal agency for this scheme,
So they can propose some plant nursery establishment on government land. In that case, 100% funding will be there. There will be no farmers here, 50%. Means 100%, 10 lakh they can get, 4 lakh from state and 6 lakh from central government. Wonderful. And can you elaborate about medicinal plant scheme? Because in Art of Living, we are having a lot of, you know, plantations for medicinal and herb plants. Yes, ma'am. For this National Medicinal Plant Board, they are recommending some species, zone-wise or some means region-wise. These species are suitable for that region, south or hilly region or plain region. So those species, preferably tree plants, they can take up. So that can also be come under this scheme. Mm-hmm. So they are having some list of the plants, including all these called some Arjun plants, Arjun that chal, Arjun ki chal jo bahut si medicine mein kaam aa rahi hai. South mein dekhen to Kerala mein bahut si medicinal trees hain. Sub species isme le sakte hain. अगर स्कोप है या कोई इंटरेस्टेड है कुछ फार्मर्स करना चाहें मेडिसिनल प्लांट लेना तो वो इस स्कीम से भी प्लांटेशन का बेनिफिट ले सकते हैं. ठीक है मैम. हाँ जी बिल्कुल. सो नेक्स्ट बहुत आ रहे हैं, आप अपना प्रेजेंटेशन दे लीजिए फिर वी लेट पीपल आस्क क्वेश्चंस. सो नेक्स्ट वी हैव आल्सो ट्राइंग टू मेक सम एफपीओस फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन इन एग्रोफोरेस्ट्री सेक्टर. Means that if their FPOs are there, then farmers can be organized and they can sell their produce in the market and get the better price. For that purpose, we have initiated this year formation of FPOs and we have proposed 15 FPOs. These are approved by government also. And these FPO formation process will be completed by implementing agencies like NABARD, NEFED, and NERAMEC, which is in Assam. So they will form the FPOs and they will get the benefits of the FPO scheme. And that will be on the agroforestry sector. Even it is also proposed for bamboo. So bamboo and agroforestry, both these schemes, they can, the farmers or group of farmers, suppose Karnataka proposed some medicinal FPO. They also proposed some these teak and some medicine, these wood material plants, wood plants, tree plants. So there are different FPOs they can produce, and as a FPO, they will be getting the better bargaining capacity for selling their produce as a FPO. So that is the means this year it is initiated only, and if it is FPOs are coming up in agroforestry, they will get more benefits. Okay. हाँ, आप थोड़ा हिंदी में ही बात करिएगा. हाँ ठीक है. So who is eligible for this scheme? Means कौन benefit ले सकते हैं? जैसे मैंने अभी बताया किसान है, वो कोई भी किसान इसका benefit ले सकता है. जो state government है उनके through किसान जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आइडेंटिफाई करती है, उनके साथ में उनको उनको अप्रोच करके किसान फायदा उठा सकते हैं. और उसमें जैसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, उनको ऐसे इंस्ट्रक्शन है भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो छोटे किसान है उनको ज्यादा बेनिफिट दिया जाए, उनको पहले लिया जाए. वुमेन फार्मर्स को भी बेनिफिट देना है, एससी एसटी फार्मर्स को भी शामिल करना है, और एनजीओ है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. एनजीओ का कुछ प्लांटेशन है तो वो भी ले सकते हैं. वो स्टेट के थ्रू जो एनुअल एक्शन प्लान, जो वार्षिक प्लान सबमिट करते हैं, उसमें उनका प्लान आना चाहिए. तो मतलब कोई भी किसान इसका बेनिफिट ले सकता है. जो प्रोसेस रहेगा वो कुछ इस तरह से है, जैसे जो स्टेट है, जो स्टेट डिपार्टमेंट, क्योंकि ये स्कीम है वो दो डिपार्टमेंट से चल रही है, उसमें कुछ स्टेट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट संचालित कर रहा है और कुछ में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कर रहा है. तो एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो जो कौन सी जो पोटेंशियल स्पीसीज हैं या जिनका ज्यादा स्कोप है या डिमांड ज्यादा है, या जो किसान है वो कौन सी स्पीसीज लेना चाहेंगे,
कौन से प्लांट्स लगाना चाहेंगे, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से वो फॉरेस्ट स्पीसीज को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद में वो एरिया या कहाँ पर कौन से डिस्ट्रिक्ट में या कहाँ ज़्यादा स्कोप है या किस जगह लगाना बेटर रहेगा, तो वाटर अवेलेबिलिटी है या कम पानी चाहने वाली स्पीसीज हैं या किस एरिया के किसान ज़्यादा हैं या कोई नियर नज़दीक में कोई इंडस्ट्री है, पेपर है, तो वहाँ किसान ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं एग्रोफॉरेस्ट्री प्लांट्स लगाने में, तो ऐसा एरिया भी जो स्टेट नोडल एजेंसी है वो आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद में एरिया और किसान को आइडेंटिफाई करने के बाद में वो कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा ऑर्गेनाइज करते हैं, किसानों की मीटिंग, और उसमें इस स्कीम के बारे में ग्राउंड लेवल पे या ग्रास रूट लेवल पे इसके बारे में बताते हैं। तो उसमें से जो भी इंटरेस्टेड किसान है उनको पूरा डिटेल के बारे में जो स्टेट एजेंसी है लोकल लैंग्वेज में लोकल एरिया के हिसाब से पूरा डिटेल में बताते हैं, और उसमें से वो लिस्ट आउट करते हैं भी किन कौन कौन किसान है जो इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ऐसे किसान भी होने चाहिए जो अपना हिस्सा जो है 50% वो भी शेयर कर सके, तभी वो स्कीम कामयाब होगी। उसके बाद में ये जैसे जब आइडेंटिफाई करते हैं किसान किसानों को, तो उसमें महिलाओं और SC ST ये सब उनको ध्यान में रखना होता है कि किस किस को हमें पूरा वेटेज देना है, और इंस्ट्रक्शन उनको ये भी है कि कम से कम 1/3 फार्मर्स हैं वो स्मॉल और मार्जिनल होने चाहिए, और कुछ वुमेन फार्मर्स भी होने चाहिए और SC ST के भी रहने होने चाहिए। इसमें NGOs भी आएंगे ना? हाँ, इसमें NGO भी आ सकते हैं। NGO के लिए स्पेशल जैसे कोई प्लांटेशन अगर करना चाहे तो वो उसे प्लान में वो सबमिट कर सकते हैं, अगर NGO कोई प्रपोज करे तो वो स्टेट गवर्नमेंट के प्लान में आएगा तब हमारे पास आएगा। जो एनुअल एक्शन प्लान नेक्स्ट जो दे आर टू सबमिट द एनुअल एक्शन प्लान जो गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे उसमें स्टेट शेयर के हिसाब से टोटल जो प्लान क्या होगा वो उसमें वो पूरा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करेंगे। उसमें अगर कोई NGO का है या कोई प्राइवेट लैंड पे है या कोई किसान के जमीन पे कोई नर्सरी लगाना चाह रहा है या गवर्नमेंट की नर्सरी पे, वो पूरा उसमें रहता है और उसके हिसाब से जो टोटल जो ग्रांट है वो कैलकुलेट होती है। तो कहने का मतलब किसान भी लगा सकते हैं, NGO भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनका प्रपोजल है वो स्टेट के थ्रू आना चाहिए कि आप कौन सी स्पीसीज और कौन से प्लांट लगाएंगे, कितने एरिया में लगाएंगे, ये सब डिटेल उनके पास रहती है। तो इस तरह से मतलब फार्मर्स के लिए जो सब्सिडी है वो 50% सब्सिडी है, किसान को 50% सब्सिडी मिलेगी। नर्सरी लगाएंगे तो भी उसमें रहेगा और प्लांटेशन लगाएंगे तो भी रहेगा, ब्लॉक प्लांटेशन है वो रहेगा। और जैसा मैंने पहले बताया पहले साल में फर्स्ट ईयर में 40% के करीब उनको सब्सिडी रहेगी, टोटल उनको फंडिंग रहेगी उसमें 50% किसान को देना है, उसके बाद में 20% मेंटेनेंस कॉस्ट रहेगा। ये जो फंडिंग पैटर्न है वो उनको पहले से ही जो ट्रेनिंग है और है उसमें बता देंगे। तो अगर किसान कोई 500,000 या 2,000-5,000 प्लांट्स लगाते हैं तो उनको काफी हेल्प मिल जाती है इससे, उनका जो अगर प्लांट्स की कॉस्ट है या कहीं से लेके आते हैं ट्रांसपोर्ट है वो सब्सिडी में निकल जाता है, और थोड़ा बहुत लगाने का या मेहनत है वो किसान खुद कर लेता है, तो वो एक तरह से प्लांटेशन उनका अच्छा कर सकते हैं किसान। और सब्सिडी का भी इसमें यही है जैसे स्टेट जो है वो ट्रांसफर करते हैं किसान के सीधे अकाउंट में, कोई कैश पेमेंट या वैसे भी नहीं है, और स्टेट को इंस्ट्रक्शन इस तरह से अभी आप जहाँ भी प्लांटेशन करेंगे उसका जियो टैगिंग करेंगे और डेटा है वो हमारे जो पोर्टल है उसमें भी अपलोड करेंगे ताकि वो ट्रांसपेरेंसी रहे उसमें कहाँ कैसे प्लांटेशन हुआ है वो सब इसमें रहेगा। तो अभी ये कुछ ब्रीफ स्कीम के बारे में था, और इसके जो बेनिफिट हैं आप किसान भी जानते होंगे, सभी उनको मालूम है प्लांट्स है या प्लांटेशन है या फॉरेस्ट है, सब सबके बेनिफिट रहते हैं। और एग्रोफॉरेस्ट्री जो किसान के खेत पर पेड़ या जिसको कृषि वानिकी एक शब्द में हम कहें तो कृषि वानिकी के भी बहुत से फायदे हैं, उसके जो फॉरेस्ट में प्लांट्स हैं उससे भी ज़्यादा फायदे रहते हैं। एक तो किसान को एडिशनल इनकम मिल जाती है, जो छोटे किसान हैं उनके लिए बहुत फायदा है, ऐसे प्लांट्स लगा सकते हैं जो 5-7 साल की एज के बाद में भी उनको काट के किसान बेच सकते हैं और फसल में उनको कोई ऐसा नुकसान नहीं हो पाता, अपने रेगुलर फसल चलती रहती है। तो
तो एडिशनल इनकम किसान के लिए एक जरिया बन जाता है किसान को, एडिशनल या अतिरिक्त आय का या एक्स्ट्रा आमदनी का। किसानों को जैसे काटने का है, पेड़ काटा फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया और गांव में अगर इसको यूज किया या किसी भी दूसरे पर्पज के लिए, तो भी एक किसान की जो ओवरऑल लिवलीहुड है वो उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। तो क्योंकि खेती के अलावा खेती कभी भी जैसे बारिश की कमी है या कोई और कारण है तो उससे खत्म होने के चांस रहते हैं, लेकिन अगर प्लांटेशन है, कुछ प्लांट्स हैं, तो उस कंडीशन में किसान है अपना जीवन यापन या कुछ उससे आमदनी ले सकता है। एग्रोफोरेस्ट्री में बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी लकड़ी तो मिलेगी 5-7 साल के बाद में, तब तक किसान को जैसे ईंधन के लिए लकड़ी मिल जाएगी, उनकी पत्तियां काट के सीजन में जैसे टाइम टू टाइम साल में 2-4 इवन 5-6 बार भी कई किसान जैसे कुछ आईलेंथस या आरडू जैसे प्लांट ऐसे हैं कि उनको वो रेगुलर पत्तियां काट के अपने मवेशियों या पशुओं को वो खिला सकते हैं। तो ये भी एक उनको एक तरह से एक साधन मिल जाता है, अभी उससे लकड़ी या ईंधन या कुछ ऑर्डर मिल जाएगा। वुड मटेरियल है वो मिलेगा, जैसे टिम्बर के लिए भी, प्लाईवुड के लिए भी, पेपर के लिए भी, पैकेजिंग के लिए भी, तो आसपास की इंडस्ट्रीज को फायदा होता है। और वो यहाँ तक कि जैसे उड़ीसा का एक एग्जांपल लें तो वहाँ आईटीसी कंपनी है, वो उस एरिया में किसानों को बाई बैक करने के लिए तैयार रहती है, वहाँ पेपर इंडस्ट्री है आईटीसी का, वो उनसे जैसे यूकलिप्टस के प्लांट्स है यहाँ तक कि 3-4 साल बाद भी लेने के लिए तैयार है। तो इसलिए किसान अभी कन्विंस हो रहे हैं कि भी हाँ ठीक है, हमें 3 साल बाद कुछ तो मिल जाएगा, पर ज्यादा टाइम रखेंगे तो उसका और भी बेनिफिट रहेगा। दूसरा, इसके साथ साथ किसान को तो बेनिफिट है ही, और दूसरा इकोलॉजिकल या इकोसिस्टम सर्विसेज भी हम देखें तो उनसे बहुत बड़ा फायदा होता है पूरे देश के लिए या मतलब पूरे विश्व के लिए भी कह सकते हैं। जो एनहांस्ड फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट एरिया बढ़ता है, जो किसान के खेत पर भी अगर प्लांटेशन हो तो उसको जो ओवरऑल एरिया है फॉरेस्ट कवर वो बढ़ेगा। रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन दी फॉरेस्ट और फ्यूल, मतलब लकड़ी के लिए या ईंधन के लिए फॉरेस्ट के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा, वो भी एक बेनिफिट है। सोइल कंजर्वेशन, जहाँ पर जो प्लांटेशन या पेड़ लगाएंगे तो वहाँ मिट्टी का कटाव या ऐसी समस्याएं हैं वो भी कम होंगी। और ये भी देखना आया है कि जहाँ पर ये प्लांट्स लगाएंगे वो थोड़े साल बाद में उस मिट्टी में उनके पत्ते और टहनियाँ गिरने से वो धीरे धीरे जमीन उपजाऊ होगी और उसमें ऑर्गेनिक कार्बन या मतलब उपजाऊपन है वो जमीन का सुधरेगा, जमीन उसमें खराब नहीं होती है। कुछ किसान ऐसे बोलते हैं भी जैसे इन पेड़ों के नीचे कुछ नहीं होता, लेकिन अगर हम बाद में देखेंगे, अगर उनको कटाई करने के बाद में उसी जमीन को देखेंगे तो उसकी उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ी हुई मिलेगी। और भी दूसरे बेनिफिट हम नेशनल लेवल पे देखें तो लकड़ी का जो इम्पोर्ट है या आयात करते हैं वो भी कम होगा, और कुल मिला के जैसे लकड़ी की उपलब्धता होगी, जो वुड मटेरियल या ट्रीज होंगे, लकड़ी मिलेगी, लकड़ी से जो इंडस्ट्रीज है उनको बढ़ावा मिलेगा, और कुल मिला के हम ये भी एक मिशन है जो प्लांटेशन है, इससे हम कुछ आत्मनिर्भर भारत जो हमारे देश का या प्राइम मिनिस्टर का जो मोटो दिया हुआ है उसकी तरफ हम इसमें बढ़ सकते हैं। और ये स्कीम भी एक इसमें अपना बहुत इम्पोर्टेंट रोल है वो अदा कर सकती है। इसलिए एग्रोफोरेस्ट्री या सस्य वानिकी या कृषि वानिकी है वो एक ऐसा एडिशनल आमदनी का जरिया है किसान के लिए, जिसका कोई नुकसान नहीं है, फायदे ही फायदे हैं, और इस स्कीम से फायदा उठा के किसान इसको अपना सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। डॉक्टर शर्मा, एक दो क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन है कि क्या हम टीक प्लांटेशन जो है उसके बेनिफिट ले सकते हैं आफ्टर, अगेन मतलब कैन वी अवेल बेनिफिट ऑफ टीक प्लांटेशन अगेन आफ्टर रिसीविंग द स्कीम बेनिफिट्स वंस, अगर हम स्कीम से बेनिफिट एक बार ले रहे हैं तो क्या टीक प्लांटेशन के बेनिफिट को दोबारा ले सकते हैं? ले सकते हैं, जैसे उन्होंने पहले किससे बेनिफिट लिया है तो वो जरूरी नहीं है कि दोबारा वही प्लांट के लिए या दूसरे के लिए। अगर स्टेट का जो अगर वो मानते हैं कि भी हाँ ये किसान एडवांस है,
उन्होंने एक बार एक एरिया में कोई दूसरे प्लांटेशन के लिए लिया है तो वो अपना एरिया बढ़ाना चाहेगा तो वो ले सकता है अगले साल में, दूसरे एरिया के लिए भी ले सकता है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वेरी नाइस। पीक प्लांट्स जैसे गुजरात में है तो वो काफी लोग पसंद करते हैं उसको, और करीब 7-8 साल में वो बेचने लायक भी हो जाता है। 10 साल रखे हैं तो और अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर जल्दी कोई जरूरत पड़ जाए तो वो उसका काट के बेच सकते हैं, उससे कुछ इनकम ले सकते हैं। स्कीम में श्यामा तुलसी इंक्लूडेड है क्या? एनी तुलसीज? श्याम तुलसी मैम अभी जैसे क्योंकि ये तो बहुत छोटा हर्बल है तो इसमें अगर हर्बल एज ए हर्बल लगाएंगे और तो इसमें ले सकते हैं, लेकिन उसमें जैसे कितना बेनिफिट होगा, बहुत छोटे से एरिया में कवर होगा, एज ए मतलब हर्बल लेंगे तो वो ले सकते हैं वैसे, लेकिन उसके साथ में उनको ये करना चाहिए भी अकेले तुलसी का ही नहीं दूसरे प्लांट्स है वो भी लेना चाहिए। तो वो जो स्टेट एग्रोफॉरेस्ट्री मिशन है, स्टेट डिपार्टमेंट है उसके थ्रू और स्टेट मेडिसिनल बोर्ड है उनके थ्रू आएंगे तो वो ले सकते हैं, तुलसी भी ले सकते हैं और दूसरे साथ टर्मरिक एंड ऑल, हाँ हर्बल प्लांट्स दूसरे भी ले सकते हैं। टर्मरिक टर्मरिक किसमें आएगा हर्ब्स में? टर्मरिक वैसे इसमें नहीं आएगा क्योंकि टर्मरिक के लिए बहुत सी और स्कीम है, दूसरी स्कीम है उसमें बेनिफिट ले सकते हैं वो, और क्योंकि टर्मरिक जहाँ पर लगाया हुआ है उसी में कोई अगर प्लांटेशन कर रहे हैं तो वो प्लांटेशन के लिए स्कीम में कवर हो जाएगा। ग्रेट। फ्रूट प्लांट्स भी इंक्लूडेड है इसमें? फ्रूट प्लांट्स मैम इसमें इस तरह से है, जैसे मैंगो है तो मैंगो फ्रूट प्लांट है लेकिन उसकी टिम्बर भी है, लकड़ी भी मिलती है तो वो ले सकते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे मान लो क्या बोले उसको पोमेग्रेनेट या अनार है तो उसकी कोई वुड नहीं है, तो क्यों दूसरा, क्योंकि फार्मर्स के पास इसके ऑप्शन अवेलेबल है, वो अगर कोई फ्रूट प्लांट लगाना चाहे या अनार या अमरूद लगाना चाहे तो उसके लिए हमारी जो MIDH है हॉर्टिकल्चर स्कीम है वो तैयार है, उसमें लगा सकते हैं। ओके, तो फ्रूट प्लांट्स में ऐसे फ्रूट प्लांट्स जिसके आपके टिम्बर या उसके दूसरे, हाँ जो टिम्बर रहेगी वो ले सकते हैं क्योंकि आम की लकड़ी है तो वो पैकेजिंग में और में बहुत काम आती है। ओके, वुड को बढ़ावा देना। इज बैम्बू इंक्लूडेड अंडर दिस मिशन? बैम्बू इसमें है लेकिन अभी बैम्बू को अलग कर दिया क्योंकि बैम्बू स्कीम दूसरी चल रही है मैम, तो उसमें बेनिफिट ले सकते हैं कोई बैम्बू अगर लगाना चाहे तो, जो नेशनल बैम्बू मिशन है ऐसा ही स्कीम है वो, उसमें इसी तरह का प्रोविजन है 50% बेनिफिट का है और फंडिंग पैटर्न भी इस तरह से, जैसे आसाम में एग्रोफोरेस्ट्री नहीं चल रही लेकिन बैम्बू स्कीम चल रही है तो बैम्बू स्कीम का बेनिफिट वो ले सकते हैं। ग्रेट ग्रेट, पहले इसी में था अब उसको अलग कर दिया। मेलिया दुबा इज अ वेरी फास्ट ग्रोइंग ट्री इन कर्नाटका एंड इट्स यूज्ड फॉर मैच स्टिक मेकिंग, सो इज देयर इज दैट दिस ट्री इंक्लूडेड इन द स्कीम? दैट इज इंक्लूडेड एंड दिस पर्सन यू आर सीइंग इन द लास्ट स्लाइड ही इज वन ऑफ द फार्मर आई विजिटेड दिस फील्ड, सो ही इज दिस इज मेलिया दुबा प्लांटेशन। ओके, एंड दिस फार्मर इज हैविंग सम गोट एंड सम दूसरे इनके पास पशु है तो इसके पत्ते रेगुलर काट के ये पशुओं को चराता है और तब तक ये प्लांट्स भी हो जाएंगे, और इन्होंने इस तरह से करके अभी ये खड्डे में बारिश का पानी आ जाएगा तो अपने आप ये मतलब बढ़वार इनकी होती रहेगी। ओके, एंड इज वर्मी कंपोस्टिंग पार्ट ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री और नॉट? नहीं, वर्मी कंपोस्ट इसका पार्ट नहीं है मैम, वर्मी कंपोस्ट अगर कोई लगाए तो उसमें हमारा जैसे दूसरा स्कीम है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम या ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग दूसरी स्कीम है, उससे बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, एलोवेरा विल बी सेम एज तुलसी ओनली ना? हाँ, एलोवेरा वो वैसा ही है जैसे हर्बल में वो ले सकते हैं, लेकिन कोई इंटीग्रेटेड ऐसा हो भी हम वो पूरा यूनिट ही उनका हर्बल का है उसमें थोड़े एरिया में तुलसी है एलोवेरा है और कुछ जैसे आंवला है, आंवला ले सकते हैं, आंवला भी एक मेडिसिनल प्लांट है तो उस आंवला को इसमें ले सकते हैं क्योंकि उसकी भी कुछ टिम्बर रहेगी या कम से कम वो एक तरह से ट्री टाइप का प्लांट है। एंड व्हाट अबाउट द फेंसिंग फॉर प्लांटेशन, इसके भी कोई हेल्प है स्कीम में? फेंसिंग के लिए इसमें नहीं है, फेंसिंग के लिए सिर्फ जो जैसे नर्सरी बनाएंगे तो नर्सरी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए उसमें फेंसिंग है, लेकिन प्लांटेशन की फेंसिंग का इसमें नहीं है।
क्योंकि प्लांटेशन की फेंसिंग है, फिर वो बहुत कॉस्टली हो जाता है, उसमें 50% किसान को देना होता है, वो इसमें अभी नहीं है तो फेंसिंग So, do you के लिए। provide training also for PSUs or government companies or private companies? यस, Okay. ट्रेनिंग ट्रेनिंग वर्कशॉप मीन्स सम टाइम है इस नेशनल वर्कशॉप और नेशनल कॉन्फ्रेंस वी कैन ऑर्गेनाइज एट मिनिस्ट्री लेवल एंड इवन स्टेट लेवल ऑल्सो। स्टेट व्हाट वी आर हैविंग सम 5% ऑफ द फंड्स ऑफ द एलोकेटेड फंड्स, सो स्टेट लेवल वर्कशॉप कैन बी ऑर्गेनाइज्ड एट द स्टेट लेवल। डॉक्टर सो शर्मा, आप अपना पीपीटी वो करके हम वी कैन डायरेक्टली देन सी यू. एक हमें क्वेश्चन ये था कि हमारे जैसे जैसा एनजीओ है उसके लिए हम किस तरह की चीज़ें इस स्कीम से बेनिफिट ले सकते हैं, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग एक एनजीओ है. हाँ, सो दैट एनजीओ इन विच स्टेट दैट इज वर्किंग वी आर ऑन इन ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, लाइक ऑल ऑल. दी स्टेट्स, हाँ, तो एवरीथिंग. थ्रो व्हाट व्हाट स्टेट्स आई लिस्टेड हियर इन ऑल दी स्टेट आवर स्कीम इज रनिंग, और दैट एनजीओ कैन अप्रोच टू दी स्टेट मिशन डायरेक्टर, स्टेट एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सो दे विल इंक्लूड दैट एनजीओ प्लान देयर। फॉर एग्जाम्पल इफ इन हरियाणा इफ एनी वन वॉन्ट टू डू समथिंग, सो दे विल सबमिट देयर प्रपोजल टू हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट एंड दे विल इंक्लूड इन देयर प्लान एंड सबमिट टू अस। सो ओके. बिकॉज अल्टीमेटली द बेनिफिट इज गोइंग टू स्टेट एंड स्टेट फंक्शनरी हैज टू मॉनिटर इट, तो इसलिए उनके स्टेट के थ्रू आना मतलब प्लान में आना जरूरी है। वो एनजीओ का प्रपोजल हो सकता है उसमें, और एनजीओ के हाँ, केस मतलब में फिफ्टी स्टेट की परसेंट हर स्टेट का थोड़ा थोड़ा अलग होगा एनजीओ के लिए, जो उनके बेनिफिट्स भी होंगे, हेल्प भी होगी. डिफरेंट स्टेट्स विल हैव लिटिल डिफरेंस इन स्कीम. नहीं, ये स्कीम के नॉर्म्स तो सेम है सभी सभी स्टेट में। ओके हाँ, ओके उसमें क्योंकि अगर जैसे आसाम है तो आसाम में उनको स्टेट शेयर है वो 10% ही मिलाना है स्टेट को, 90% हमारा रहेगा। और दूसरे स्टेट हैं, जनरल स्टेट हैं, हरियाणा है या एमपी है, तो उनमें 40% स्टेट शेयर जाएगा, एनजीओ को भी वो 40% जाएगा। जैसे कोई 10 लाख का प्रपोजल देता है एनजीओ, तो 5 लाख तो एनजीओ को स्पेंड करना होगा, उसमें 5 लाख गवर्नमेंट का रहेगा, और 5 लाख में 2 लाख रहेगा स्टेट गवर्नमेंट का, 3 लाख रहेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हम का। गवर्नमेंट लैंड पे करें तो, अगर हम गवर्नमेंट लैंड हाँ, पे. गवर्नमेंट लैंड पे तो गवर्नमेंट करेगी, और उनको 100% फंडिंग है। 100% फंडिंग का मतलब जैसे 10 लाख का अगर नर्सरी है तो 4 लाख स्टेट गवर्नमेंट मिलाएगी और 6 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, ओके. और इसमें क्योंकि ये हाँ क्वेश्चन ये आया है कि इज देयर एनी सब्सिडी टू एग्जिस्टिंग सेरिकल्चर एंड व्हाट इज द प्रोसीजर टू अप्लाई. ये नहीं, वो मुकुंद. सेरिकल्चर के लिए भी सेम है। सेरिकल्चर के लिए भी जैसे अभी कर्नाटका का प्रपोजल हमारे पास आया है, कर्नाटका को इस साल का 5 करोड़ का बजट एलोकेशन है, तो हमने उनको बोला है भी जैसे कर्नाटका स्टेट जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये स्कीम इंप्लीमेंट कर रहा है, तो उनको वो सेरिकल्चर के कौन से किसान है कौन से प्लांट्स लगाएंगे वो उस प्लान में इंक्लूड है उनका, और उसके उसमें भी वही सिस्टम है जैसे 50% सब्सिडी रहेगी किसान को ओके. सेरिकल्चर के लिए भी। सो डॉक्टर हाँ शर्मा, क्वेश्चन आपके बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा है, बट हमारे कुछ लोग पूछना एक दो क्वेश्चंस और चाहते हैं, तो आप ये हाँ पीपीटी का शेयरिंग ऑफ कर दीजिए, देन वी कैन सी यू ऑल्सो. अच्छा एंड अच्छा ठीक है। इसमें लिखा है, कपिल हमारे एक बहुत ही यंग फार्मर है, 4-5 ईयर्स पहले आई थिंक 100% सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से थी, नहीं थी ना? वॉज देयर एवर 100% सब्सिडी इन दिस? नो दैट द स्कीम वाज स्टार्टेड इन 1617 एंड एक्चुअली इट टुक ऑफ टेक्नोपोन इन द 1718, सो देर वाज नो प्रोविजन लाइक 100% सब्सिडी सिंस इंसेप्शन ऑफ द स्कीम इट वाज लाइक दिस ओनली, दिस इज द फंडिंग पैटर्न। ओके. जैसे लोग अपने अपने स्टेट्स के लिए पूछ रहे हैं, अगर उनके स्टेट्स में उनको पता लगाना है तो वो किस डिपार्टमेंट के जाएं, एग्रीकल्चर में जाएं, फॉरेस्ट. हाँ, एग्रीकल्चर में या फॉरेस्ट हाँ में जाना है, और करीब हमारे पास जैसे 22-23 स्टेट हैं, तो 23 में करीब 10-12 स्टेट हैं वो फॉरेस्ट डील कर रहा है, और करीब 11 स्टेट है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कर रहा है। एग्रीकल्चर में सॉइल कंजर्वेशन हो सकता है, या उनका जैसे हॉर्टिकल्चर भी कई जगह कर रहे हैं जैसे महाराष्ट्र में,
हाँ तो जी अगर वो चाहेंगे तो मैं आपके थ्रू दैट लिस्ट आई कैन शेयर हाँ, आप वो मैसेज शेयर डायरेक्ट। मुझे कर दीजिएगा कि किस स्टेट में किससे कांटेक्ट करना है, वेदर टू हाँ एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री। यस और साथ में थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये जो स्कीम है, जैसे अगर कोई एक पर्सन करना चाहता है तो इसको और इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने कुछ और स्कीम्स, बैम्बू स्कीम है, दूसरी दूसरी स्कीम है, तो इनको कुछ लोगों ने पूछा है कहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कौन से, व्हेन व्हेन दे गो टू एनी पोर्टल, वेयर विल दे गेट द इन्फॉर्मेशन। यस यस सो दैट इज अ वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन मैम। दैट आवर पोर्टल इज nmsa.gov.in, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, nmsa, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ओके ओके। सो उस प्लेटफॉर्म पे जैसे हमारा ये तीन स्कीम का मेनली इसमें है, जैसे एक तो RAD का, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड फार्मिंग, उसमें ले सकते हैं। दूसरा है बेम्बू स्कीम का भी उसी में है, और एग्रोफोरेस्ट्री का भी उसी में है। तो इस स्कीम के बारे में तनुश्री कुछ से रिक्वेस्ट है, तनुश्री आप लिख लीजिएगा और डॉक्टर शर्मा आप भी मुझे भेज दीजिएगा डिटेल्स, तो आई विल शेयर विद एवरीवन। एंड क्वेश्चंस अभी बहुत हैं, बट इससे पहले दैट अदर पीपल आर आस्किंग कि एक क्वेश्चन ये है, इफ वी विश टू बाय बिग प्लांट्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, डज एनीवन सेल देम, मतलब अगर हम खरीदना चाहते हैं, विश टू बाय बिग प्लांट्स फॉर ट्रांसप्लांटेशन, सॉरी ट्रांसप्लांटेशन, अगर हम बड़े बड़े पेड़ खरीद के लगाना चाहते हैं कहीं, तो ये मिलते हैं हमें? प्लांट्स तो मिलते हैं। प्लांट्स तो जैसे नर्सरी, जो स्टेट का नर्सरी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है या एग्रीकल्चर का है, हॉर्टिकल्चर का है, वो एक्चुअली में वो स्टेट लेवल पे थोड़ा मालूम करना होगा। अभी किस 6 मंथ के भी सीडलिंग मिलते हैं, कुछ हो सकता है लास्ट ईयर का कोई स्टॉक हो तो उनको बिग प्लांट्स भी मिल सकते हैं। ओके तो ये तो उनको वही जो लोकल है वहां से पता करना होगा, क्योंकि ये बड़े प्लांट्स अगर बहुत ज्यादा दूर से लाना भी पॉसिबल नहीं होगा, कहीं अवेलेबल है तो मुश्किल होगा। बाकी कई स्टेट ऐसे हैं मैम जिन्होंने अपने पोर्टल, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पोर्टल है मोस्टली, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या हॉर्टिकल्चर, उनको वहाँ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है अभी किस नर्सरी में कितने प्लांट्स हैं। वो ओके okay. इन्फॉर्मेशन जैसे हमारे पास तो वो उस लेवल की इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। तो वो स्टेट लेवल पे मिल जाएगी क्या? हाँ स्टेट लेवल पे मिल जाएगी, बहुत से स्टेट ने पोर्टल भी बना रखे हैं और वो उस पे शो भी करते हैं अभी कहाँ कौन से प्लांट्स हैं। नाउ आई इनवाइट माय फ्रेंड अर्चना जी आल्सो, शी इज ट्रस्टी इन एग्रीकल्चर ट्रस्ट ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग, कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हैं, और बहुत सारे लोगों जिनके क्वेश्चंस है, वी विल आस्क, आप थोड़ा पेशेंस रखिए। नमस्कार, नमस्कार शर्मा जी, जय गुरुदेव टू ऑल। शर्मा जी थैंक बहुत इन्फॉर्मेटिव, और मुझे लगता है कि एक तो एक सविता जी के थ्रू एकदम जन सेवा हुआ है, तो बहुत बहुत धन्यवाद हम यू, सबकी तरफ से सबसे धन्यवाद। पहले। और दूसरा एक तीन तीन सिंपल क्वेश्चन मेरा है कि हम इसमें तीन तरह के लोग हैं, इंडिविजुअल फार्मर हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स है, और एक हम एज एनजीओ आए हैं, तो तीनों का इन सब स्कीम से बेनिफिट लेने के लिए क्या चार स्टेप्स आप बताना चाहेंगे, कि क्या चार ऐसा स्टेप है जिसको हम फॉलो करें इंडिविजुअली? जैसे मैं खुद फार्मिंग करती हूँ, मेरे पास 8-10 एकड़ जमीन है, तो मैं कैसे इसके लिए अप्रोच करूँ हर मेरे पे पेड़ के लिए, और हमारे जैसे 4-5 किसान एक साथ मिलकर जिनके साथ कोई संस्था नहीं जुड़ी है और उनको भी आपके पास जाना है, तो वो किस तरह से आपको अप्रोच करें? और तीसरा, हम जो आर्ट ऑफ लिविंग से हमारे 25 लाख किसानों के साथ पूरे देश में काम कर रहे हैं, तो हमारे पास हर जगह क्लस्टर 10,000 5,000 ऐसे किसान हैं, तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट के हर स्कीम का हमारे किसानों को फायदा हो, चाहे वो जाने या ना जाने, तो हम किस तरह से आपको अप्रोच करें? तो तीनों पे मैं एक बार चाहूंगी आप बता दें। उसमें मैडम ऐसा है, इन्होंने हाँ का तो बताया था आर्ट ऑफ लिविंग का, लेकिन एक बार आप फिर से वो सब पे नजर। मैम, इसमें जैसे एनजीओ या कोई इंडिविजुअल फार्मर हो, उनको दे हैव टू अप्रोच लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो ये स्कीम चला रहे हैं। जैसे मैंने बताया कुछ स्टेट एग्रीकल्चर चला रहा है, कुछ स्टेट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, तो उनको उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अप्रोच करना है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अप्रोच करने से पहले आपको जैसे जिस डिस्ट्रिक्ट में या जिस तालुका में या ब्लॉक में आपका लैंड है, तो आप वहाँ के जो लोकल एग्रीकल्चर ऑफिसर या फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं उनसे अप्रोच कर सकते हैं। तो वो आपको गाइड करेंगे भी आपको किस तरह से अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत से जगह तो ऐसा होता है भी कंपटीशन रहता है, मतलब एलोकेशन या टारगेट कम है और इंटरेस्टेड फार्मर ज्यादा है। बहुत सी जगह ऐसा है उनको
इंटरेस्टेड फार्मर या कुछ एग्रोफोरेस्ट्री करने वाले अपने तरफ से नहीं मिलते, विलिंग फार्मर्स नहीं मिलते, सो उनका देयर जॉब विल बी इजी इफ सम फार्मर्स आर टेकिंग इनिशिएटिव एंड अप्रोचिंग टू देम। तो आपको उनको उनसे अप्रोच करना है, एनजीओ भी उनके अप्रोच कर सकते हैं, अपना बात करके और प्रपोजल बना सकते हैं म्यूचुअली किस तरह से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और टेक्निकल गाइडेंस भी जो लोकल लेवल पे वो दे पाएंगे, कौन से स्पीसीज या प्लांट्स लगाने चाहिए, किसका स्कोप है, किसको बेच सकते हैं, कहाँ किस कौन से के लिए इंडस्ट्री अवेलेबल है। तो पहले तो एनजीओ हो या कोई एफपीओ हो या कोई इंडिविजुअल फार्मर हो, उनको लोकल एग्रीकल्चर ऑफिसर्स या एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट ऑफिसर है उनको उनसे बात करना है, उनको अप्रोच करना है। और वहां अगर कोई चाहिए इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट हम ऐसा लेके जाएं क्योंकि जिससे कि प्रूव हो कि उस पे हम जनरली हम लोग का जैसे ये अप्रोच रहता है जब हम गवर्नमेंट ऑफिसर्स में जाते हैं ना तो हमारे किसान लोग एकदम ये पजल्ड हो जाते हैं कि ये मांगा वो मांगा ये पेपर वो पेपर। तो एक सिंपल सा स्टेप कि जैसे हम फॉरेस्ट ऑफिस में जाते हैं तो हम रेंज ऑफिसर से मिले, डीएफओ से मिले, किससे मिले हम? आपको जैसे रेंज ऑफिसर से वो लोकल एरिया में जैसे रेंज ऑफिसर काम करता है उससे मिलना चाहिए। अगर वो बताता है कई कई स्टेट है उन्होंने तो ऐसे फॉर्म जैसे वन पेज के फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म बना रखे हैं फार्मर्स के लिए, वो उसको अप्लाई करें। पंजाब है तो पंजाब में उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल बना रखा है, तो ऑनलाइन फार्मर को रजिस्टर करना है मोबाइल ऐप पे और उस पे वो क्या लगाना चाह रहा है उसको अप्लाई करना है, और लोकल जो उनका फॉरेस्ट गार्ड है उस लेवल से या रेंज ऑफिसर लेवल पे वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई फार्मर अप्लाई करने में नहीं जा सकता तो वो उस उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और हम अपने 10,000 किसान के लिए अप्लाई करना चाहें तो हम फिर किससे कांटेक्ट करें? नहीं, 10,000 के 10,000 के लिए अप्लाई करना चाहें इसका मतलब आपको या तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या कुछ ग्रुप है ना फार्मर्स का, एनजीओ का करेंगे ना, एनजीओ के रूप में हम तो एनजीओ के रूप में करेंगे ना। हाँ, एनजीओ के रूप में करें या मतलब अनऑर्गेनाइज्ड भी, अगर 10,000 फार्मर है और सभी अगर टीक लगाना चाहते हैं या कोई यूकलिप्टस लगाना चाहें तो वो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से या एग्रीकल्चर से अप्रोच कर सकते हैं, तो वो उनका काम और भी इजी हो जाएगा। उनको जो क्लस्टर है या वो आइडेंटिफाई करना, सिलेक्ट करना, जैसे आप लोग एनजीओ है तो आप फार्मर्स की लिस्ट या उनकी लैंड क्या है, किस एरिया में है, तो वो काम भी उनका इजी हो जाएगा, वो कर सकते हैं। आपका जो जैसे प्रपोजल है या जो भी प्रस्ताव है वो ले सकते हैं। ओके, गोविंद जी का एक क्वेश्चन है, ग्रांट जो है सब्सिडी नंबर ऑफ प्लांट्स पे है या एरिया ऑफ प्लांट पे? आई थिंक नंबर ऑफ प्लांट्स पे है। सब्सिडी जैसे पेरिफेरल जो बताया मैंने बाउंड्री पे है तो बाउंड्री पे एरिया नहीं है, वो 500 प्लांट तक उसमें लगा सकता है किसान, वो तो नंबर ऑफ प्लांट्स पे है। कुछ ब्लॉक प्लांटेशन होते हैं, किसी किसान के पास ज्यादा जमीन है, वो 1 एकड़ में या 2 एकड़ में या 3 एकड़ में अपना पूरा उसी मतलब सिर्फ वो एग्रोफोरेस्ट्री प्लांटेशन ही करना चाहे तो वो एरिया बेसिस पे है, तो इतने एरिया में लगाना चाहेगा। अच्छा, तो उसके लिए सब्सिडी 30,000 या 35,000 ऐसा है। वो डेंस आपने एक में कहा था ना, थोड़ा कम डेंस और उस पे डेंसिटी है, वो अलग अलग डेंसिटी है, तो वो अलग अलग इसमें स्कीम में रखा हुआ। अभी कोई ज्यादा लगाना चाहे जैसे मिलिया दुबिया है या कोई लो डेंसिटी पे लगा सकते हैं, हाई डेंसिटी पे लगा सकते हैं, तो वो दैट इज द चॉइस ऑफ फार्मर। ओके, और अगर कोई फ्रूट प्लांट और वुड प्लांट एक साथ लगाए, वुड ट्रीज एंड फ्रूट ट्रीज, हाँ तो लगा सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकली किसान ऐसा तो करते हैं, अभी कुछ वुड प्लांट बाउंड्री पे लगाए तो बाउंड्री पे कुछ वुड प्लांट हैं तो कुछ फ्रूट प्लांट भी लगाएगा, तो वो जो काउंटिंग होगी वुड प्लांट्स की वो इस स्कीम में आएगी। और फ्रूट प्लांट ऐसे हैं जो भी जैसे वुड वाले नहीं है तो वो उनको इसमें नहीं लेंगे, वो दूसरी स्कीम में लेंगे, या वो लगाना चाहे तो लगा सकते हैं अपने लेवल पे। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आया है कि जो प्लांट्स हैं विल बी प्लांट्स डिपार्टमेंट प्रोवाइड करेंगे या फार्मर को कहीं और से खरीदने पड़ेंगे? मोस्टली क्योंकि नर्सरी हम देते हैं जैसे डिपार्टमेंट को, फॉरेस्ट को या एग्रीकल्चर को, तो वो प्लांट्स तैयार करने के लिए देते हैं और उसमें जो प्लांट्स तैयार होंगे वो ही किसान को देंगे, तो ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि भी वो फार्मर्स को प्लांट्स रेडी प्लांट्स दें, तैयार प्लांट्स उनको दें। वो स्टेट्स वाले मतलब स्टेट लेवल पे स्टेट वाले प्रोवाइड करेंगे। कई बार अगर स्टेट में अवेलेबल नहीं है, कहीं से कोई टिश्यू कल्चर वाले भी वो अरेंज करते हैं या कोई गाइड करते हैं तो वहां से भी परचेज कर सकते हैं।
ओके शैलेश कवि जी ने पूछा है इस एपिडा डज एपिडा प्लेज अ रोल इन इट एपिडा अभी तक एपिडा का रोल नहीं आया है सामने में। अभी हम जैसे मार्केट लिंकिंग और कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में एपिडा इसमें कुछ कर पाए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। अभी तो जैसे हम इसीलिए परस्यू कर रहे हैं, अभी इस पे जो इंपोर्ट है वो टैक्स बढ़ाया जाए, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया जाए। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी तो फिर लोकल का इम्पोर्टेंस आएगी। कुछ मिनिस्ट्री लेवल पे इस तरह के एफर्ट्स कर रहे हैं। कपिल कह रहे हैं प्लांट्स का प्राइस 70 है ना, वो तो अलग अलग उस पर डिपेंड करता है ना प्लांट्स का प्राइस। नहीं, हम जो जो प्लांट्स है 70 रुपीज पर प्लांट का देते हैं, वो मोस्टली लगभग सभी प्लांट्स के लिए एक जैसा ही है। उसमें प्लांट्स का कॉस्ट नहीं है ये उसमें जैसे प्लांट्स का है या कुछ मतलब खड्डा खोदने का है, पानी देने का है, वो सारा ही इसमें है। तो 70 रुपए एक प्लांट का खर्चा है और उसमें भी 50% प्लांट्स को जो है वो किसान को देना होगा 50%। 35 रुपए वो गवर्नमेंट का मिलेगा। तो वो भी क्या है कि कुछ पहले साल में कुछ मेंटेनेंस में, हालांकि ये अमाउंट ऐसे कम लग रहा है लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रूल में तो इतना ही है। कुछ एमजी नरेगा स्कीम है उसमें वो ज्यादा दे रहे हैं। तो हमने वैसे नेक्स्ट में प्रपोज किया है 130 रुपीज पर प्लांट, तो वो एक्सेप्ट होने के बाद ही उस पर कुछ कह सकते हैं। ओके एक मैडम एक और पूछ रही थी, अर्चना मैडम, थर्ड क्वेश्चन था क्या? हाँ वो एक तो आपने बताया था ना फोर स्टेप। हाँ हाँ जी सर। एक थर्ड क्वेश्चन आपका मेरे हिसाब से रह गया, क्या था वो? मेरा मेरा क्वेश्चन ये था कि हम तीन तरह के लोग हैं यहाँ जो बैठे हुए हैं, मतलब जैसे उड़ीसा से बैठे हैं, मतलब ऑल ओवर मेरे ख्याल से कम 15 स्टेट से आपके इस वेबिनार में लोग हैं, तो हर स्टेट का आपने एक परसेंटेज बताया कितना इतना। एक सिंपल स्टेट फार्मर्स या हम जो होते हैं कि सिंपल स्टेप चाहते हैं इस चीज को गवर्नमेंट के स्कीम्स को अवेल करने के लिए, और ये बहुत सुंदर स्कीम है। इसमें चूंकि हमारा जो हम सविता जी ने और ये जो पर्पस है इसका कि हम उसको लगाएंगे और पालेंगे, वो सब्सिडी का 3 इयर्स का प्लान भी मुझे उसमें समझ में आ गया है। उसका पर्पस भी यही 3 स्टेज में इसलिए देना है कि आप उसको पालिए भी, उसका यही तो सिंपल मैं चाह रही थी कि सिंगल एक जैसे उठ के हम यहाँ से मुकुंज जाए और बोले मैं अपने इसके लिए चाहिए, कपिल जाए बोले मैं 10 फार्मर के लिए, हम और सविता जाए हम बोले हमारे 10,000 फार्मर के लिए चाहिए। तो चारों के लिए एक सिंपल 4 स्टेप फॉर्मूला आप दीजिए कि हाउ टू गो इन एनी स्टेट विथ दीज 4 स्टेप्स, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। सिंपलीफाई कर दीजिए पूरा प्रोसीजर कि हम अगर तो सिंपलीफाई पहले तो किसान को ये माइंड मेकअप करना है पहले सबसे फॉरमोस्ट भी उसको एग्रो फॉरेस्ट्री में जानना है या नहीं। अगर वो एग्रो फॉरेस्ट्री में जाने का मतलब है प्लांट्स लगाएगा उनकी केयर करना और उसके लिए कम से कम जैसे माने तो 5 साल 4 साल या कई प्लांट जैसे 10 साल भी है, अगर हम चंदन का लेंगे तो 25 साल भी वेट करना पड़ता है। जैसे कर्नाटका में बहुत से किसान है वो चंदन का प्लांट्स भी लगा रहे हैं, नाउ दे आर रेडी टू वेट फॉर 25 ईयर्स फॉर नेक्स्ट जनरेशन। और चंदन की हम बात करें 25 साल वेट करेंगे तो इससे जो जुड़ी हुई बात है वो ये भी है भी अगर 20 साल या 15 साल का प्लांट होगा तो उसको छोड़ेगा कौन फार्मर्स के खेत पे, जंगल में भी नहीं छोड़ रहे, तो थेफ्ट प्रॉब्लम ये सब आने वाले हो सकते हैं। तो उसके लिए किसान है वो बहुत एडवांस सोच रहे हैं और उनकी लोग आप जैसे हेल्प भी करते हैं कि उसमें चिप्स लगा दें हर प्लांट में ताकि वो जैसे ही कोई कट करे या कुछ डैमेज करे तो उसको अलर्ट मिल जाए, मोबाइल अलर्ट मिल जाए। तो ये यहाँ तक काम हो रहा है स्टेट्स में। इसमें जियो ट्रैकिंग भी आप लोग यूज कर रहे हैं क्या? जियो ट्रैकिंग का जैसे स्टेट्स को सबको इंस्ट्रक्शन है लेकिन प्रैक्टिकली अभी तक वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसमें भी कई उनके प्रॉब्लम आ रही है। जियो ट्रैकिंग तो करनी चाहिए, कुछ स्टेट कर भी रहे हैं जैसे कर्नाटका या एक दो स्टेट ऐसे हैं उन्होंने शुरू किया है, तो आने वाले टाइम में ये भी हो जाएगा। और तो इसमें चंदन इंक्लूडेड है, चंदन ट्री? हाँ चंदन है, चंदन इंक्लूडेड है, चंदन मिलिया दुबिया यूक्लिप्टस ये सब है। अगर कोई जैसे रेस्ट्रिक्शन है लोकल लेवल पे तो वो एक अलग बात है, बाकी स्कीम में जो जिन स्पीसीज का स्कोप है वो ले सकते हैं। तो आप अपने स्टेप बता रहे थे, अब स्टेप कंटिन्यू। स्टेप में पहले तो किसान का इच्छा होना चाहिए क्योंकि जब किसान जब ऐसे पेड़ लगाएगा तो ये इट इज नॉट ए कॉमन प्रैक्टिस, वो दूसरे किसानों से या लोगों से हटके काम कर रहा है तो उसको
ये भी बोलेंगे बहुत से भी, ये क्या कर रहा है, ये नहीं होगा, तो उसके लिए उसको पहले से तैयार रहना। दूसरी बात, उसको जो लोकल जो भी है एग्रीकल्चर ऑफिसर या फॉरेस्ट ऑफिसर, उनसे कॉन्टेक्ट करना है और उनको बताना है, कन्विंस करना है भी मैं इस एरिया में ये प्लांट लगाना चाह रहा हूँ। के बाद में ये जो स्टेट गवर्नमेंट उससे एग्री होती है, तो प्लांट्स को जो लेना है कहाँ से, कौन सी नर्सरी से, अगर उनके एरिया को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो कहाँ से प्लांट्स वो अरेंज करेंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अवेलेबल हो सकते हैं, कोई प्राइवेट नर्सरी में अवेलेबल रहेंगे, तो ये सब उनके रिकॉर्ड में आएगा फॉरेस्ट या एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटिंग डिपार्टमेंट में। तो उसके लिए अपना शेयर किसान को दे के और उसके हिस्से में जो उनका प्रोसीजर है, मैंने देखा है कई स्टेट बहुत अच्छे से कर रहे हैं, हर किसान का अकाउंट है उसमें वो सब्सिडी ट्रांसफर करते हैं, तो उसके अकाउंट में वो सब्सिडी ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद में जो उसको केयर करनी पड़ेगी 5 साल 10 साल या जो भी टाइम होगा, तो केयर करने करके उसके बाद में वो बेच सकते हैं, काट सकते हैं, बेच सकते हैं। एक बार जो गवर्नमेंट हेल्प कर देगी 50% उनके अकाउंट में डाल देगी, उसके बाद गवर्नमेंट उनको ट्रैक करेगी पूरा कि उनके ट्रीज को कैसे लुक आफ्टर है? हाँ नहीं, वो जैसे हम हमारा जो सिस्टम है पैटर्न ऑफ सब्सिडी है, जैसे फर्स्ट ईयर में जो प्लांटेशन उन्होंने टारगेट दिया उसका 40% दे रहे हैं, और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जैसे फर्स्ट ईयर मेंटेनेंस 20% उनको तभी देंगे जब वो हमें तो सर्वाइवल परसेंटेज देंगे, सर्वाइवल परसेंटेज के फिगर देंगे भी इस फार्मर पे। हम फार्मर वाइज नहीं मांगते, वो तो उनके लेवल के बात है, तो टोटल सर्वाइवल है उसके बेसिस पे उनको फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का मेंटेनेंस देंगे। तो वो जो लोकल डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंटिंग डिपार्टमेंट है वो उसको रिकॉर्ड रखता है, वो चेक करता है, और उनको कोई किसान को प्रॉब्लम आती है तो भी है। बाकी जैसे मैम पूछ रही हैं भी उनको पर्टिकुलरली फार्मर लेवल पे क्या करना, कहाँ जाना, तो वो इसमें जैसे ट्रेनिंग का स्टेट को भी 5% ट्रेनिंग और मोटिवेशन और इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए जो फंड दिया है वो सेंसिटाइजेशन के लिए ही है। अभी किसान सबसे पहले ग्राम सभा करेंगे, उसमें 100 किसान आएंगे तो उसमें 20 तैयार होंगे, 20 बात सुनेंगे, तो एक्चुअल में उसमें से 5 या 10 ही उसको अडॉप्ट करेंगे। तो ये सारी जो एक्सटेंशन टेक्निक है इसको यूज करके और ऐसे मतलब विलिंग फार्मर्स को आइडेंटिफाई करना और उनको करना। मैंने ये देखा है बहुत से फार्मर्स हैं वो अगर कोई एनजीओ या कोई ऐसा अगर आप लोग उनके हेल्प करेंगे तो दे विल गेट द बेनिफिट मोर। डॉक्टर शर्मा, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे अगर हमारे साथ बताया, जैसे अर्चना जी ने 25 लाख फार्मर्स जुड़े हैं, अगर हम उन लोगों को कोई वेबिनार पे अगर उनकी ये ट्रेनिंग करें, क्योंकि अभी तो उस तरह पॉसिबल नहीं है फील्ड पे, तो वेबिनार पे करें तो हमें स्टेट वाइज करनी होगी या नेशनल? आपको स्टेट वाइज करनी चाहिए, जो नेशनल वेबिनार होगी तो उसमें तो जैसे आप या हम या कहीं कोलैबोरेटिव कर सकते हैं, उसमें फार्मर्स का पार्टिसिपेशन की बजाय जैसे इम्प्लीमेंटिंग डिपार्टमेंट है या कोई मतलब एनजीओ है या तो फैसिलिटेटर है उनकी हो सकती है नेशनल लेवल पे, बाकी फार्मर्स का स्टेट लेवल पे और उसमें भी अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या जहाँ पर पोटेंशियल एरिया है वहां करेंगे तो वो ज्यादा यूजफुल रहेगी, क्योंकि फिर वो फार्मर लेवल पे जाएंगे तो लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम आएगी, तो उनको उनकी लैंग्वेज में उनके हिसाब से बताना होगा। तो आपको क्या लगता है, हम 2-3 स्टेट्स को क्लब करके करें या इंडिविजुअल स्टेट्स का करेंगे तो मतलब वी विल हैव टू ऑर्गेनाइज मेनी मेनी? उसमें आप जैसे आप तेलंगाना हैदराबाद का एक कर सकते हैं, क्योंकि वो लोकल उनका तेलुगु दोनों स्टेट का है, लेकिन जब तमिलनाडु का करेंगे तो फिर अलग करना पड़ेगा, या नॉर्थ के 2-3 स्टेट को एक साथ कर सकते हैं। ओके ओके, और दूसरा एक जैसे मैं शायद समझ रहा हूँ आपके जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, हमने तमिलनाडु में कुछ प्रोग्राम दिया है लास्ट ईयर। ओके, आर्ट ऑफ लिविंग के साथ आपने? हाँ, आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से ही था, लेकिन वो था डिपार्टमेंट के थ्रू। तमिलनाडु में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो इम्प्लीमेंट कर रहा था, और इस बार उन्होंने जैसे चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर सेक्रेटरी उन्होंने बताया भी, नाउ ऑनवर्ड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट विल इंप्लीमेंट दिस स्कीम। तो उनको उनका प्रपोजल था कुछ ह्यूग प्लांटेशन का, और वो हमारे साथ कुछ एक अफसर भी अमरीश कुमार जी, आई थिंक यू मे बी नोइंग अमरीश कुमार, जो तमिलनाडु में काम कर रहे हैं लिविंग ऑफ आर्ट के साथ, जो ईसा फाउंडेशन है।
अच्छा ईशा फाउंडेशन के साथ। हाँ ईशा के साथ है। आर्ट ऑफ हमारा ये आर्ट ऑफ लिविंग है जिसका ये एग्रीकल्चर ट्रस्ट है, SSIST ट्रस्ट। तो हाँ श्री श्री इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो उनका ईशा फाउंडेशन कहता है। हाँ तो वो ईशा फाउंडेशन का वो बोल रहे थे भी हम इसको एग्जीक्यूट ग्राउंड पे हम करेंगे, और हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को फंडिंग किया है क्योंकि वो लास्ट ईयर मार्च में ही उनको फंडिंग हुआ था, तो वो उस टाइम तो नहीं कर पाए, इस साल शायद वो कर पाएंगे। वेरी नाइस। एक क्वेश्चन और पूछना था कि हमारे साथ ना बहुत सारे हम गवर्नमेंट स्कीम से हर स्टेट में काम कर रहे हैं, उड़ीसा में हमारा PKY में, तो हमारे पास क्लस्टर ऑफ फार्मर्स हैं, हम उनको ऑलरेडी ट्रेंड करते हैं, वो जनरली हम उनको नेचुरल फार्मिंग सिखा रहे हैं, लेकिन अभी जो डबलिंग द इनकम के लिए अगर मल्टी लेयर्ड फार्मिंग करते हैं तभी उनका इनकम डबल होगा, तो उसमें इसका yes. बहुत बड़ा रोल है। तो अगर yes. हम उस ग्रुप को सीधा आपसे कनेक्ट करें और सीधा उनके लिए बेनिफिट मांगे, लेकिन बीच में NGOs को मैनेज तो करेगी डेफिनेटली जो पहले PKY में कर रही है, तो इज इट पॉसिबल, ये ठीक है, इसको हम इसके थ्रू जा सकते हैं? हाँ उसके थ्रू जा सकते हैं, जैसे हमारे एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट कोई प्रॉब्लम या कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपको स्टेट का जो इम्प्लीमेंटिंग डिपार्टमेंट है जैसे उड़ीसा है, तो उड़ीसा में सोयल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट है, डायरेक्टरेट ऑफ सोयल कंजर्वेशन इज इम्प्लीमेंटिंग दिस स्कीम। ओके सर, तो उनको उनसे आप बात करेंगे, वो वैसे अगर उड़ीसा की बात करें तो दे आर ऑल्सो टेकिंग हेल्प ऑफ ITC, ITC का कोई डिस्ट्रिक्ट में उनका चल रहा है, तो वो जैसे ट्रेनिंग में भी उनको इन्वॉल्व करते हैं, फिर वो प्लांट सप्लाई में भी करते हैं, और बाई बैक भी वो ITC उनको करती है, तो वो इस तरह से वहाँ आप अगर थोड़ा उनसे बात करेंगे तो कहाँ पर आप लोगों का जो एरिया है कहाँ कर रहे हैं, तो दैट कैन बी ए बेटर काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। डॉक्टर शर्मा, यहाँ पे हरियाणा के काफी लोग हैं, दे आस्किंग हरियाणा में कौन सी स्कीम, कौन इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है? हरियाणा में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है। ओके ओके, सो स्पेशल आंसर फॉर पीपल फ्रॉम हरियाणा। हाँ हरियाणा के अगर करें तो एक बहुत अच्छी बात है, हरियाणा में एग्रोफोरेस्ट्री आराम से कर सकते हैं, जैसे यूकलिप्टस का है, मीलिया दूबिया का है, पॉपुलर का है, ये कुछ स्पीसीज हैं जिनकी इंडस्ट्रियल वैल्यू है। एक्चुअली आप लोग सभी इस जगह का पूछ रहे हैं, विजय लक्ष्मी जी पूछ रही है महाराष्ट्र में कौन करता है, तो अभी लाइक महाराष्ट्र में, हाँ महाराष्ट्र में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कर रहा है। ओके कोंकण में, हाँ तो वो हम आपको मतलब जैसे डिटेल जो भी है उनका कांटेक्ट डिटेल दे देंगे आप उनसे। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आपके स्टेट्स के लिए हम पूरी लिस्ट लेके हम ग्रुप में डाल देंगे और आप लोग वहां से ले लीजिएगा, कि इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ टू टेल अबाउट एवरी स्टेट। और संजीव का क्वेश्चन है, कैन वी गेट सब्सिडियरी ऑन हर्बल प्लांट, ये तो आंसर हो चुका है, लाइक फिक फोकस कैरिका इफ वी प्लांट देम इन मेरठ और गाजियाबाद, and can we get subsidy on flower plantation like marigold or jasmine? I think ये अलग हो जाता है। हाँ ये अलग है, ये horticulture में आ जाएगा, इसके लिए जो दूसरी स्कीम है MIDH की, horticulture development या horticulture board, उस स्कीम से ये फ्लोरिकल्चर का और ये सब उसमें है, they can go in that scheme and get benefit. ओके, सो आई थिंक डॉक्टर शर्मा अभी हमारे 1.5 घंटे होने वाले हैं, यू हैव गिवन इनफ टाइम ऑन संडे, और बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा है, तो मैं बस एक तो ये कहूँगी कि एक तो आप हमें वो लिस्ट भेज दीजिएगा, और इसकी जो हमारे को जिस गवर्नमेंट के पोर्टल्स पे जहाँ पे भी इसकी डिटेल्स मिलती हैं मिल रही हैं, उसके हमें yes. डिटेल भेज दीजिएगा। प्लस आपका कभी अगर हम फिर से, मतलब क्योंकि अभी आपने बताया ना क्वेश्चंस बहुत बारिश होने शुरू होएगी, तो आई वुड लाइक कि आप हमें एक टाइम दें, मे बी आफ्टर 5-6 days 7 days के एक दिन और जब आपके पास टाइम हो और हम फिर से आएँ, क्योंकि अब जब भी शुरू हुआ है ना, इट इज़ लाइक provoking something, poking into something, and now yes. flood of questions will start. तो आप, और अगर आपको कभी टाइम नहीं है तो आपका कोई जूनियर स्टाफ जो आप, मतलब जूनियर ऑफिसर नॉट स्टाफ, जो आप जो मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन जानता हो, जो इतना दे सकता हो, तो इट विल बी वेरी नाइस, सो इट विल बी लाइक हैंड होल्डिंग फॉर अस, बिकॉज वी आर कनेक्टेड विद लैक्स ऑफ फार्मर्स, एंड आपके हेल्प से हम उनको हेल्प कर पाएंगे। yes. तो आप हमें इसमें बता दीजिएगा कि कभी भी आप दे सकते हैं टाइम की नहीं? नहीं, हम जैसे अभी फार्मर्स की जो क्वेरी है उनका, उनके लिए जो हमारी बजाय अगर लोकल जो डिपार्टमेंट है वो उनको सेटिस्फाई करेगा, गाइड करेगा, तो वो ठीक रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम
हमारा जो एक है वो दूसरा है, हम स्टेट लेवल पे उनको कुछ पर्टिकुलर फार्मर के लिए या एरिया के लिए हमारे लिए बताना बहुत एक तरह से मुश्किल रहता है, तो वो लोकल जहाँ भी जाएंगे उनको अप्रोच करना चाहिए उनको, और हम उनको बता दें भी लोकल जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, आप किससे अप्रोच कर सकते हैं, जो नोडल डिपार्टमेंट, नोडल एजेंसी या जो स्टेट मिशन डायरेक्टर है उनसे वो कॉन्टेक्ट कर। एक मुकुंद जी हमारे जो बहुत ही डायनेमिक फार्मर है वो पूछ रहे हैं, फॉर अर्जुन एंड सेरिकल्चर प्लीज गिव डिटेल स्कीम। और अगर मुकुंद जी आप पूछना चाहते हैं मैं आपको अनम्यूट भी कर देती हूँ, बट इस क्वेश्चन इज कि अर्जुन के लिए और सेरिकल्चर के लिए डिटेल स्कीम कौन सी मिलेगी। तो ये कपिल जी कौन से स्टेट से हैं? ये है मुकुंद जी उड़ीसा से। मुकुंद जी उड़ीसा से है ना, तो उड़ीसा में आप सोयल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट, वो एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ही डायरेक्टर सोयल कंजर्वेशन है, जो मृदा संरक्षण है, मृदा संरक्षण जो एक डिपार्टमेंट है उनसे आप बात करें। मुकुंद जी आपको जो क्वेश्चन पूछना है पूछ लीजिए, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ दो तीन क्वेश्चन ही हम ले पाएंगे बिकॉज टाइम बहुत हो गया। हाँ पूछिए। जी, थैंक यू सविता जी। शर्मा जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। ये एक्चुअली मेरे को मालूम है उड़ीसा में सेरिकल्चर का और अर्जुन का थोड़ा सा काम हो रहा है और मैं भी जुड़ा हूँ इसमें। मेरा सवाल है कि सर जो सॉइल कंजर्वेशन ये डायरेक्ट ये नहीं करता है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल करता है जो हमने काम किया था, तो ये हर मेड पर पेड़ का जो स्कीम है इसके थ्रू हम अर्जुन और सेरिकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं आप। जैसे मैं सोयल कंजर्वेशन का मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे हार्मेड पर पेड जो एग्रोफोरेस्ट स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये इंप्लीमेंट के लिए जो नोडल डिपार्टमेंट है वो सोयल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसमें उन्होंने सोयल कंजर्वेशन को दे रखा है ये जिम्मा। ठीक है, तो सोयल कंजर्वेशन में क्या है, अर्जुन तो पर्टिकुलरली ट्री प्लांट है, मेडिसिनल भी है, तो इसको एग्रोफोरेस्ट्री में ले सकते हैं, लेकिन और दूसरा सोयल कंजर्वेशन में जाना पड़ेगा। हाँ तो सोयल कंजर्वेशन उनसे आप पूछे हैं कि भी जैसे आपका एरिया आइडेंटिफाई करना है या आपका ग्रुप ऑफ फार्मर्स है उनको लेना है, तो दे कैन इंक्लूड योर ग्रुप ऑफ फार्मर्स और एरिया। जी जी ठीक है। और दूसरा जो सेरिकल्चर का है, तो जैसे स्टेट सेरिकल्चर डिपार्टमेंट भी है जी, आपके ओडिशा में भी होगा, तो सेरिकल्चर डिपार्टमेंट इज वेरी मच एंथुजियास्टिक इन टेकिंग अप द एग्रोफोरेस्ट्री इन सेरिकल्चर। वो टेक्सटाइल के अंदर में आता है। हाँ वो डिपार्टमेंट, वो मिनिस्ट्री टेक्सटाइल है, लेकिन हमारा एमओयू हुआ है अभी रिसेंटली, उसमें यही है भी फार्मर्स का इनकम बढ़ना चाहिए, तो क्यों ना सेरिकल्चर भी हो जाए और एग्रोफोरेस्ट्री भी हो जाए। जी, तो एग्रोफोरेस्ट्री प्लांट्स लगाएंगे तो इस स्कीम से उनको कुछ सब्सिडी या कुछ बेनिफिट मिल सकता है, और सेरिकल्चर वो प्रोडक्शन करेंगे तो प्लांट्स से पत्तियां हार्वेस्ट करेंगे। आपका हाँ। आप जो बता रहे थे एमओयू है सेंट्रल सिल्क बोर्ड से, सिल्क बोर्ड से भी मेरा एक बार बात हुआ था। हाँ। तो थोड़ा शॉर्ट में रखिएगा थोड़ा। नहीं नहीं मेरा हो गया दीदी, मेरा हो गया, खाली वो स्कीम थोड़ा सा शर्मा जी को बोल के जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड के साथ आपका एमओयू हुआ है वो अगर मिल जाएगा तो बढ़िया है। वो मैं आपको जैसे उड़ीसा का स्टेट डिपार्टमेंट का कोई आपको कांटेक्ट नंबर या कुछ है क्या? नहीं अभी नहीं है सर। लोकल स्टेट डिपार्टमेंट को तो आप जानते होंगे या कांटेक्ट में है या नहीं? वो मिल जाएगा सर। हाँ वो मिल जाएगा ना, तो मैं आपको जो सिल्क बोर्ड का नोडल ऑफिसर है उनके नंबर दे सकता हूँ। जी जी जी, जो सभी मतलब सिल्क रियरिंग स्टेट्स हैं उनका जो देखते हैं उनके नंबर बता दूंगा, तो आप उनसे अप्रोच कर। काम करूंगी, एक रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग अपने सारे क्वेश्चंस जो ईमेल आपको भेजा था मैंने उस पे आप दे दीजिएगा। तनुश्री विल कंपाइल ऑल द क्वेश्चंस, वी विल सेंड इट टू डॉक्टर शर्मा, जिसके आंसर्स वो दे सकते हैं तो वो देंगे, और फिर वी विल शेयर विद यू, क्योंकि यहाँ पे अभी तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देना मुश्किल होगा, क्यों डॉक्टर शर्मा? यस हाँ, तो आपके सबके क्वेश्चंस आप भेज दीजिए हमें। एंड दिस आपको ये आपका उड़ीसा वाला मिल जाएगा। संजीव जी आप बार बार कुछ लिख रहे हैं, संजीव त्रिहान जी वुड यू लाइक टू आस्क? हाँ आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए संजीव जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, बस लास्ट वन क्वेश्चन और
और हरियाणा में पूछा है यहाँ पे संजीव, हाँ हरियाणा में जी पूछ रहे हैं कपिल कि चंदन के बारे में हरियाणा में क्या है, क्या इस चंदन पॉसिबल इन हरियाणा? चंदन पॉसिबल है। चंदन एक्चुअल में जैसे जहां पर पानी की सुविधा है वहां हो सकता है चंदन, ओके ओके क्योंकि इसके और लिए प्लांट्स है, इसके लिए थोड़े हाई ह्यूमिडिटी जैसे साउथ इंडिया का एनवायरनमेंट है वैसा चाहिए। लेकिन अगर कोई कोशिश करे तो पॉसिबल है, उसकी ग्रोथ थोड़ा सा कम रहेगा साउथ इंडिया से। क्यों, और दूसरा जो चंदन का पेड़ है उसका अगर मैच्योर होगा तब तक हमें 20-25 साल तक जाके उसकी वैल्यू मिलेगी। 25 साल का अगर हम रखें तो एक पेड़ से 25 लाख रुपए आमदनी हो सकती है। संजीव जी, आपने कई बार हाथ रेज किया, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए, बिकॉज बस लास्ट 2 लोगों के ही पूछ रहे हैं क्वेश्चन। संजीव जी, हाँ पूछिए आप। तो मेरा क्या, जैसे मैं अभी जामनगर गुजरात में हूँ और मैं गेल इंडिया लिमिटेड में जॉब करता हूँ, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो हम कुछ वहाँ पे कुछ लिमिटेड पौधे हमारे यहाँ पे भी, और कुछ भी हमारे यहाँ से दिल्ली तक LP पाइपलाइन है, कुछ कुछ स्टेशन में कुछ पौधे लगाना चाहते हैं। तो कई बार जैसे हमें रुद्राक्ष का या चंदन का, तो हमें लोकली अवेलेबल नहीं होते हैं। ओके रुद्राक्ष, चंदन या फिर कैम्फर का आता है ना, तो कुछ कुछ पौधे हमें लोकली मिलते नहीं है। तो और दूसरी, और यहाँ से नर्सरी में भी अवेलेबल नहीं है वो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नहीं है। तो उसको लेना है तो कोई ऑनलाइन ऑप्शन हो सकता है क्या डिपार्टमेंट की तरफ से, जहाँ पे हम जाके ऑनलाइन परचेस कर लें, आप वो कौन पूछना से था। स्टेट से हैं तुम बताए? ये अभी जामनगर में, गुजरात से, गुजरात से, जामनगर, जामनगर। गुजरात के है ना। हाँ तो आप गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करो उनको, जैसे APCCF है, राम कुमार जी, वो इधर वैसे हरियाणा के ही हैं, उनसे आप संपर्क कर। अरण्य भवन जो गांधीनगर में है वहां पर संपर्क कर सकते हैं अगर आप अहमदाबाद में रहते हैं तो, या कोई लोकल फॉरेस्ट नहीं, ऑफिसर है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके पास जो उनका पौधे अवेलेबल क्वेश्चन है एक्चुअली, डॉक्टर वो शर्मा, उनके उनका पास वो क्वेश्चन नहीं है है। कि कोई हाँ ऑनलाइन पोर्टल है जहां से हम ऐसी स्पीशीज जो अवेलेबल नहीं है वो ले सकते हैं? ये क्वेश्चन लोकली, सभी के लिए हाँ है। मतलब ये क्वेश्चन हाँ सभी का है। तो इसके लिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ जैसे यूपी का है, यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक पोर्टल है ओके और उन्होंने उस पर डिस्प्ले कर रखा है मोस्टली भी कहाँ नर्सरियां हैं, कहाँ कौन से प्लांट्स हैं। अगर आपकी जो जिस प्लांट से आप पूछ रहे हैं वो अवेलेबल है तो वहां से ले सकते हैं। वो कितना मतलब दूसरे स्टेट को स्पेयर कर पाते हैं वो एक उनका देखना है। बाकी पंजाब है तो पंजाब का एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मोबाइल ऐप भी है उनके। और बेस्ट ये रहेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे, कपिल जी जो पूछ रहे थे, तो उनके लिए क्योंकि ये एक्सेस कर सकते हैं सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है, या हॉर्टिकल्चर या ये जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वेबसाइट के थ्रू प्लांटेशन की मिल जाएगी। अभी एक पोर्टल जो आप बोल रहे हैं भी एक कॉमन पोर्टल सभी स्टेट का या नेशनल वो नहीं है, उसके लिए भी थोड़ा काफी टाइम से चल रहा है विचार भी, एक ऐसा पोर्टल होना चाहिए। तो वो तो हो सकता है कब होगा, ओके लेकिन नहीं, आप स्टेट वाइज अगर थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो हो सकता है उसमें आपको कुछ मिल जाए। मेरे को अगर वहां पे दिखा रहे हैं, अगर मेरे को सेल खरीदना है उनसे तो कैसे खरीद सकते हैं, वो थोड़ा मेरा क्वेश्चन था। अगर हेलो। जैसे यूपी स्टेट में मेरे को, हाँ अगर यूपी स्टेट में कोई पौधा दिखाया हाँ और उसको मेरे को खरीदना है तो हाँ कैसे खरीद सकते हैं ऑनलाइन, मतलब उनका कहना है पेमेंट कि ट्रांसफर हो यूपी जाए। से कोई प्लांट है तो कैसे खरीद सकते हैं? नहीं, यूपी का आप अगर पोर्टल पे अवेलेबल दिखा रहा है तो वो आपको बता सकते हैं भी, आपको ऑनलाइन भेज देंगे या पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है और लेकिन फिजिकली आपको पिकअप करना है तो वो बता पाएंगे। ठीक है, मतलब फिर उनको हाँ कांटेक्ट करना। यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आप पोर्टल देखो और उस पे प्लांट्स अवेलेबल शो कर रहे हैं या नहीं वो बताएंगे आपको, और उनसे आज वैसे आप की टाइम कांटेक्ट कर बहुत हो सकते गया हैं। है। कपिल, आप अपना क्वेश्चन बस 1 मिनट में प्लीज जस्ट आस्क क्विकली। कपिल, यू वांटेड टू आस्क समथिंग, आपका हैंड रेज्ड है। यस मैम, यस मैम, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। एक लास्ट क्वेश्चन था बस मैम, वो जस्ट इसी के बारे में, जो जस्ट चंदन के बारे में था हाँ कि उसका प्राइस कितना रहेगा और सर कैसे कहाँ पे अप्रोच करें। वो तो समझ आ गया सर कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अप्रोच करना है। हाँ और सर आई थिंक सर अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने लास्ट ईयर भी पूछा था कि चंदन के बारे में कोई स्कीम है क्या, तो उन्होंने मना कर दिया था सर। तो अभी कुछ है क्या और क्या प्राइसेस रहेगा सर, इसका कुछ आइडिया है तो बता दीजिए सर प्लीज। आप हरियाणा में लेना चाह रहे हैं ना? हाँ, जी जी सर, चंदन के प्लांट्स की बात है तो वो तो आपको कर्नाटका में कहीं भी मिल जाएंगे।
कर्नाटका में गवर्नमेंट स्कीम के अंदर सर, गवर्नमेंट 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 की नर्सरियों में भी मिलेंगे, प्राइवेट नर्सरियों में भी है, वो सप्लाई करते हैं क्योंकि वहाँ कुछ काफी किसान इंटरेस्टेड हैं, ग्रुप में भी कर रहे हैं, तो अवेलेबिलिटी तो वहां से हो जाएगी आपको। क्या प्राइस है, कैसे देंगे या भेजेंगे, वो उन्हीं से बात करनी होगी। और कर्नाटका का पर्टिकुलर कुछ गाइड करने के लिए मैं मैडम को, सविता मैडम को शेयर करूंगा लिस्ट, जो कर्नाटका का जो नोडल डिपार्टमेंट है, नोडल ऑफिसर है, तो वो आपको पिन पॉइंट गाइड कर पाएंगे। इनफैक्ट okay. हम डॉक्टर शर्मा से ले लेंगे हर स्टेट में कौन सा डिपार्टमेंट देख रहा है एंड प्लस कौन मेजर कॉन्टैक्ट पर्सन है, तो आप सब लोग को हेल्प मिल जाएगी एंड दैट आई शेयर ऑन द ग्रुप। सो इनफैक्ट हम इस हर मेड़ के पेड़ के लिए एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे, आई सेंड द व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और इसके रिलेटेड क्वेश्चन हम एक ही ग्रुप में फिर शेयर करेंगे आंसर भी। सो उसमें मैं कोशिश करूंगी डॉक्टर शर्मा के किसी जूनियर ऑफिसर को भी डाल दूंगी या ऑफिस से, जो क्वेश्चंस उसमें वो भी डाल सक मतलब आंसर कर सकते हैं जो सिंपल क्वेश्चंस है। तो अभी मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन, इट इज बीन वेरी गुड एंड स्पेशल थैंक गोज टू ऑफकोर्स हमारी जो टीम है एंड उससे भी ज्यादा स्पेशल थैंक गोज टू डॉक्टर शर्मा फॉर ज्वाइनिंग, क्योंकि सिर्फ कल ही उनको बोला और उन्होंने अपना मतलब ये भी नहीं कंसिडर किया कि टूडे संडे एंड ही रेडली अग्रीड एंड केम अप विथ सच ब्यूटिफुल प्रेजेंटेशन एंड ऑल्सो हैड पेशेंस, इतने सब्र से और इतने धैर्य से उन्होंने सारे क्वेश्चन का आंसर किया और एक भी शिकन नहीं उनके चेहरे पे, क्योंकि कई क्वेश्चन रेपिटेटिव हैं, कई क्वेश्चन क्योंकि हम लोग ले मैन है, हमें बहुत थोड़ा सा डर ही लगता है कि कैसे गवर्नमेंट से स्कीम को कैसे जाने, कहाँ जाएं, किससे बात करें, एक लेमैन के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है जो एक जानकार के लिए बहुत इजी होता है। जैसे कुछ चीजें मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ तो उनको लगता है क्या है ये, तो सभी को पता होना चाहिए, बट ऐसे कि यू नो फॉर दिस फॉर पीपल लाइक अस हु डज डोंट वर्क इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हम पूरी SSIST ट्रस्ट, एग्रीकल्चर ट्रस्ट, आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और आपने हमें बहुत ही मतलब सुंदर ढंग से बताया, हमारे दिमाग की बहुत खिड़कियाँ खुल गई और हमारे सारे फार्मर्स और जो प्लांट्स लवर हैं और एग्री फॉरेस्ट्री में जो इंटरेस्टेड हैं उन सबके लिए बहुत एक दिशा मिल गई है एंड वी विल सर्च मोर इन दिस फील्ड। एंड सबसे मैं यही कहना चाहूँगी आपके क्वेश्चंस आप ज़रूर तनुश्री को भेजिए, उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो हम बनाएंगे उसमें डालिए एंड वी विल टेक अप मोर क्वेश्चंस। एंड मैं डॉक्टर शर्मा से बोलूंगी आप एक बार फिर हमारे साथ आइएगा, फिर क्वेश्चंस के आंसर करिएगा। थैंक यू मैम, मैं इसको इस तरह से ले रहा हूं कि इट वाज ए अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू इंटरेक्ट सम एनलाइटेंड पीपल लाइक यू एंड ऑल द फार्मर्स हु आर हियर, मोर देन 70-80 मे बी वंस अपॉन अ टाइम 74, हां 74। सो मुझे खुशी हुई कि मैं इन लोगों से जैसे ग्राउंड लेवल की बात कर पाया हूँ, मेरा फार्मर से कुछ ज्यादा पहले से एक्सपीरियंस रहा है, तो मेरा कोई हिचक नहीं है उनसे बात करने में, ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम जानने में भी। तो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं काफी टाइम बाद इस तरह से लोगों से बात कर पाया, और मेरा भी ज्यादा मतलब इस स्कीम में एक्सपीरियंस नहीं है टू बी फ्रैंक, पिछले 1-1.5 साल से ही मैं इस स्कीम में काम कर रहा हूँ, पहले मैं कहीं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में था, तो मेरा भी एक लिमिटेड एक्सपीरियंस था, उस हिसाब से मैंने आपको रिप्लाई दिए है, और हो सकता है आने वाले टाइम में वी बी एबल टू डू सम कंक्रीट एंड गुड वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स। उनको कई दिन से रिक्वेस्ट किया था कि हर मेड़ के पेड़ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमारे फार्मर्स को चाहिए, सो उन्होंने कल रेडिली आपको फोन कर दिया, उनका भी धन्यवाद, आपका भी, और हमारे ट्रस्ट से अर्चना जी जो ट्रस्टी हैं, तनुश्री चीज पूरा बैकएंड जो संभाल रही है एंड देयर लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट पीपल हियर फ्रॉम द ट्रस्ट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, और बहुत ही कमिटेड फार्मर्स हैं, नेचुरल
नेचुरल फार्मिंग के फार्मर्स हैं जो बहुत ही विषम परिस्थिति में भी नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, एंड वी हैव वेरी डायमिनेट पीपल, डॉक्टर मधु अग्रवाल एंड ऑल दोस, पूरा जो एक देयर मिशन लेके चल रहे हैं लाइफ में, मेनी पीपल, अभी सबका नाम भी नहीं ले सकती हूँ, तो सबको बहुत धन्यवाद, सबको बहुत मेरा धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए, मुकुंद जी एंड अश्विनी जी एंड सबको बहुत बहुत थैंक यू सो मच, वेंकटेश जी, थैंक यू मैम, जय गुरुदेव, थैंक यू एवरीवन. हाँ, सो देर इज दिस, डॉक्टर शर्मा मैं कहना चाहती थी इसकी रिकॉर्डिंग हमने की है, तो हम क्या कुछ लोगों से शेयर कर सकते हैं इसको? हाँ, वो मैं आपको मेरा मेल शेयर कर देता हूँ. अच्छा, आप पीपीटी भी कर देंगे ना शेयर? हाँ ठीक है, मैं कल कर दूंगा पीपीटी. हाँ, नो हरी, आप जब भी करेंगे. हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच. यहाँ आसाम से भी लोग हैं, आपको मालूम है, सब स्टेट, ऑलमोस्ट सभी स्टेट से, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, बंगाल से, उड़ीसा से, आई कैन सी अमरेंद्र फ्रॉम ये है आसाम से, अभी आपसे बात की मुकुंद जी ने उड़ीसा से, सो वी हैव रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम एटलीस्ट 12 स्टेट्स हियर मिनिमम. एक एक मैं कहना चाहूंगा, अगर आप चाहें तो एक इसी तरह का कुछ ब्रीफ सेशन है, यू कैन कीप ऑन स्पेशली ऑन बैम्बू. बिल्कुल, वी विल डू इट. सो आवर एक्सपर्ट और समवन रिसोर्स पर्सन फ्रॉम बैम्बू मिशन थ्रू आवर जॉइंट सेक्रेटरी मैम, ही कैन एक्सप्लेन अबाउट द बैम्बू. बिल्कुल, आप हमें एक दो दिन बाद टाइम दे दीजिए, ट्यूसडे का भी दे सकते हैं, वी विल क्रिएट अ मीटिंग. बैम्बू के लिए दूसरे जो स्कीम देख रहे हैं, ही विल बी रिसोर्स पर्सन. हाँ, तो उनसे हमें कांटेक्ट करना होगा. उनसे कांटेक्ट करना होगा, तो वो आपको बैम्बू के बारे में बता देंगे, तो वो भी एक ठीक रहेगा इसी तरह का. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. हाँ, तो अर्चना जी, आई एम एंडिंग द मीटिंग एंड हाँ एंड But thanks to all of you. Tanushree, I'm ending. Okay, Jai Gurudev.